Jungle. देख ले एक बार शेल, देख ले एक बार, कनेक्ट हो गया क्या? कनेक्ट हो गया? हाँ जी सर, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आवाज आ रहा है क्या, आप लोग को एक बार बता दीजिए। इधर जितने बैठे हैं, मालिक आवाज आ रहा है सबको? सब क्लियर है? एक फैट ऑब्जेक्ट दिख रहा है? ठीक है, फिर अच्छा, गुड आफ्टरनून। तो जितने लोग यहाँ पे फेस टू फेस में कनेक्टेड है और जितने लोग देश दुनिया से कनेक्टेड है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये आज की जो शुरुआत होगी वो खुद के लिए ताली बजा के होगी। स्टार्ट करो। अब पूछो ये क्यों किया हमने, पूछो ना क्यों। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो सबसे हार्ड चीज होती है ना कभी भी लाइफ में, वो ये होती है कि गिर जाना और गिर के वापस संभल जाना। जितने लोग इस फास्ट ट्रैक को कर रहे हैं, ये दो कैटेगरी के होंगे। पॉइंट नंबर एक, जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रहा, मैं कभी इसे फेल नहीं कह सकता। रीजन नहीं, यहां पे टेक्निकली एक्सपीरियंसेस आते हैं, फेल और पास का तो कोई गेम ही नहीं है, एक्सपीरियंसेस है। रिजल्ट में भले ही चार शब्द फेल लिखे, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा एक्सपीरियंस गलत है। हाँ, हम बुरा जरूर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने मेहनत करी। पहले दिन जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को देख करके खुद को मारने नोचने और ऐसी बहुत सी इच्छा होती है। बट बिलीव मी, आपके सामने भी जो आदमी खड़ा है उसके साथ भी यही हुआ था, तो मैं भी उन लोगों में से हूं जिसको अटेम्प्ट लगा था। बट आज सिनेरियो अलग है। आज जब मैं मेरी लाइफ को पलट करके देखता हूं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार अटेम्प्ट लग गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया टाइप्स। जो रिजल्ट आते ही पहली बार से एकदम से फील आ जाता है, ठीक है। सो ये सबसे पहली चीज जो हमें ये समझनी है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, लेट्स एक्सेप्ट इट। दूसरा, वो बच्चा बैठा हो सकता है जिसने कभी ना कभी पढ़ा है लेकिन यू नो रिफ्रेश नहीं है। आज या तो गैप हो चुका है छह महीने, छह साल, यू नो 3 साल, 2 साल, 1 साल, अकॉर्डिंगली, एंड ही इज हियर। सो जिस भी सिचुएशन से आप आए हैं, चाहे आप ए सिचुएशन में है, चाहे आप बी सिचुएशन में, चाहे आप सी सिचुएशन में है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इसे बस रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो आप इस फास्ट ट्रैक बैच में हैं। सबसे पहले कुछ फास्ट ट्रैक बैच के फटाफट फीचर्स बता दूं और उसके बाद मेरे पास एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है जो मेरे अलावा भी आज आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। सबसे पहले फास्ट ट्रैक का फीचर यह है कि इसके अंदर में हम इस अजम्पशन से पढ़ाएंगे कि आपको डीटी में कुछ नहीं आता। ये अजम्पशन ठीक है? नहीं बोलने में भी बुरा नहीं लग रहा ना आपने? चलो ठीक है। तो ये अजम्पशन बहुत क्लियर है कि हमारे को डीटी में कुछ नहीं आता। इस अजम्पशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा अजम्पशन हमारा ये होगा कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। इस बैच का आप 100% यूज तभी ले सकते हैं जब आप इसी के साथ साथ प्रैक्टिस और करें। अब आप ये पूछेंगे कि सर मैं प्रैक्टिस करूं तो करूं कैसे? पूछो ना, कैसे करूं? हाँ, तो अगर आप देखेंगे फास्ट ट्रैक में आपको 3 बुक्स मिल रही है। पहला बुक जो आपको मिल रहा है वो है डीटी का फास्ट ट्रैक बुक। इस बुक के अंदर में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है डीटी को लेकर के। तो आप सीए या सीए में इंटर कर रहे हैं, इस बुक के साथ आपका काम हो जाएगा। दिखने में बहुत छोटी दिख रही है, आप बोलोगे रेगुलर बुक तो बहुत बड़ी थी, ये कैसे छोटी सी बन गई अचानक से? तो इसके अंदर में मैं आपको बता दूं, जो अप्रोच रखा गया है ये सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखा गया है। सो नो इफ नो बट ओनली कट टू कट वाला अप्रोच रखा गया है, राइट। दूसरा, इससे बड़ी ये बुक बना दी हमने। ये बुक क्या है? प्रैक्टिस बुक, दैट इज क्वेश्चनेयर मोस्ट अपडेटेड फॉर May 2023 एंड November 2023। ये भी आपको मिलेगा, ये सेकंड बुक होगा जो आपको मिलेगा, राइट। इसके अंदर में जो सप्लीमेंट आई है, इंस्टीट्यूट ने नया सप्लीमेंट डाला है, वो भी इसके अंदर में कवर किया है। कुछ रीसेंट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जो RTP MTP वाले क्वेश्चन है एज अमेंडेड बाय May 2023 एंड November 2023, वो इसके अंदर में कवर करके रखे। तो दो चीज ये हो गई, राइट। तीसरी चीज जो मैं आपको दूंगा वो होगा वॉल चार्ट्स। तो वॉल चार्ट से भी आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। एक बार रिजल्ट आने के बाद आपने क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। नॉट जस्ट डीटी, फॉर एवरी सब्जेक्ट आपने एक ही काम करना चाहिए, और वो काम ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स लगभग आपके एक बार पढ़े हुए हैं, नहीं तो आप जो भी रिस्पेक्टिव टीचर के पास रिविजन कर रहे हैं आप रिविजन कर लीजिए। रिविजन करने के बाद प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। अगर मैं हाथ उठाने बोलूं तो ऑलमोस्ट आप सबका हाथ उठ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई पेपर में? कॉन्सेप्ट आता था, जवाब भी पता थे, सब सही था। तकलीफ क्या हुई? लिखने में, वी कुड नॉट कंप्लीट द पेपर। दूसरी तकलीफ क्या हुई? डीटी और जीएसटी दो पेपर थे,
डीटी बहुत अच्छे से करके गए और जीएसटी तो खैर आ ही जाएगा, फिर अभी आया ही था। तो हमें पता चला कि नहीं यार, अगर इस कोर्स के अंदर में 10 मार्क का भी सब्जेक्ट है तो उसको इज्जत पूरे 10 की देनी पड़ेगी। ये हमें समझ में आ गया। तो ये चीज करनी है, प्रैक्टिस मोर। फॉर एग्जाम्पल फास्ट ट्रैक के अंदर में नया क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स पूरे वही रहने वाले हैं, मेरी बात समझ के रखना। मोटे मोटे तौर पे अमेंडमेंट्स ऐड हो गए होंगे, जब आपने शायद लास्ट टाइम पढ़ा होगा उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग बदल गए होंगे। अब बच्चा बेसिक गलती क्या करता है, वो बोलता है चल मैं अमेंडमेंट से प्रिपेयर कर लूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रिपेयर कर सकते हो, तकलीफ का आपको पता है। अमेंडमेंट आया, जैसे कि एक पीजीबीटी में सादा सा अमेंडमेंट आया, इस साल का अमेंडमेंट बताता हूं जो हम देखेंगे भी, कि भैया अगर आप गिफ्ट देते हैं या आपको गिफ्ट्स रिसीव होते हैं रादर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एनी परक्विजिट्स रिसीव होता है, बेनिफिट्स रिसीव्ड होता है, तो ये आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। एक सिंपल सा पॉइंट था जो सेक्शन 28 में था, ये पीजीबीपी में था। अब अमेंडमेंट कहां हुआ, टीडीएस में। अब आप पूछोगे क्या अमेंडमेंट हुआ, पूछो ना, जो ये गिफ्ट मेरे को दे रहा है उसको टीडीएस कट करना है। अब जब तक आप पीजीबीपी और टीडीएस दोनों को साथ में मिलकर के नहीं पढ़ोगे तब तक कि ये अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं समझेगा, तब तक कि आपको सिर्फ ये लगता रहेगा कि टीडीएस में अमेंडमेंट हुआ है मैंने पढ़ लिया। अरे पर आपको इसको पीजीबीपी के साथ पढ़ना होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो आपको क्या करना है, तीन बुक आपको मिल रही है फास्ट ट्रैक में, रेगुलर बुक से जो हम कंसेप्ट यहां पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है, राइट। इसके अलावा जैसे क्वेश्चनेयर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फास्ट ट्रैक में रेगुलर से क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमें टाइम क्रश करना है। तो क्रश कहां करेंगे, हिस्ट्री में क्रश कर देंगे हम लोग, जो हिस्ट्री रेगुलर बुक के अंदर रेगुलर टाइम पे बताई जाती थी कि ये सेक्शन के पीछे आने का पार्ट क्या है, उसको बाजू, ये सेक्शन है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, दूसरी चीज जो हम करेंगे वो ये होगा कि मालिक हम लोग कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लेंगे, रादर देन एक 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 एवरी वर्ड, कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे और प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। अब एक और गलती अगर आपको याद आती हो जो आपसे शायद हो गई हो, वो क्या थी, क्वेश्चन देखा, हाँ ये आ गया है ना, ऑडिट पढ़ा नहीं और अकाउंट्स को ऑडिट कर दिया, याद है, ऑडिट पढ़ा ही नहीं और अकाउंट्स को क्या कर दिया, ऑडिट। फिर वहां समझ में आया कि ये जो सीधे और उल्टे टिक हम लगा रहे इसने हमें उल्टा कर दिया, ये गलती हमें नहीं करनी है। इस बार एक साथ मेरे साथ काम करो, मान लो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर में करीब करीब सपोज करते हैं 40 प्रॉब्लम हमने लिए होंगे, 40 में से अगर 10 हम क्लास में ले रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे मैं क्या दूंगा, टारगेट दूंगा। इस डेली बेसिस के टारगेट को बस आपको कंप्लीट करना है, मेक श्योर जब आप फास्ट ट्रैक लगा रहे हैं तो एटलीस्ट ये सब्जेक्ट यही खत्म हो जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ये सब्जेक्ट जो 2 घंटा आप मेरे को दे रहे हैं ये 2 घंटा यही कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज करूंगा, जैसे ही हम कोई भी फास्ट ट्रैक में टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक का टॉपिक वाइज रिवीजन भी वही ठोक करके खत्म कर देंगे। मतलब क्या होगा, टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ कुछ क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन के साथ साथ यही पूरा किया। इवन वो क्वेश्चन क्वेश्चनर में सॉल्व है पर वो क्वेश्चन को हम हमारे हाथ से सॉल्व करेंगे ताकि हमारे को प्रैक्टिस हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, क्योंकि ये क्वेरीज हो सकती है आपको पढ़ते वक्त, यस, या नोट्स में हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक आ जाए, है तो आखिर ह्यूमन ही, जहां पे एरर हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बुक्स के नीचे यहां पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्वेरीज डाल सकते हैं। आप जहां से भी क्वेरी डाल रहे हैं एक बात याद रखिए, प्लीज मुझे मिनिमम 2 दिन दीजिए इन क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। रीजन नहीं, क्लासेस के अलावा ये क्वेरीज है जो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि ईमेल पर मंगा रही है और ईमेल कहीं घूम रहा है, ना, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। Are you getting my point? अच्छा जी, सर बैच कितने दिन का होगा, रफली 25 से 30 दिन, संडे अगर आप मेरे साथ एक्स्ट्रा बैठने के लिए तैयार है तो, आप में से बहुत लोग जानते होंगे संडे हमारा फेवरेट डे होता है, तो उधर ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, जितने जल्दी हम खत्म करेंगे उतना बेहतर है, हम रिवाइज कर लें। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा साथ दिया तो हम एक और काम करेंगे, बैच के एंड में एक बार मैराथन भी ठोक देंगे। इससे फायदा क्या होगा, क्लास में एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद टॉपिक वाइज रिवीजन हो गया, उसके बाद मैराथॉन्स हो गए, तो ये सबसे बड़े फायदे देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके सबसे ज्यादा डरने वाले टॉपिक कौन से, पहला टीडीएस, दूसरा कैपिटल गेन, तीसरा पबजी, बराबर ना, चौथा सैलरी का परक्विजिट्स, है ना, वो जो अपन पढ़ते नहीं बेसिक तक के खत्म कर देते अलावेंस, हाँ भाई, है ना, फिर उसके बाद में क्या, डिडक्शंस धुंधला याद आता है बस थोड़ा थोड़ा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी,
बराबर है ना, हमने सारे टॉपिक तो पढ़ लिए लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की प्रैक्टिस ही नहीं करी। जब पेपर देखा मां कसम 25 मार्क का तो वही था। ये इंटरकनेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, इसके अंदर में हम लोगों ने वो सारी चीजें रखी है। मैं फास्ट ट्रैक जब आपको पढ़ाऊंगा, एक बात याद रखिए, मैं आपको वो जो आप बचपन से पढ़ते थे ना बेसिक, फिर रेसिडेंशियल, फिर एग्रीकल्चर, हम इस तरह से नहीं जाने वाले। हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले बेसिक्स उठाएंगे, रेसिडेंशियल उठाएंगे और इसके बाद आपके ना मेजर हेड्स चालू कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब हम कंप्यूटेशन वाले टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम है वो जल्दी कर पाएंगे, जो इसके अंदर में मोर देन 50 दिए हुए हैं। तो मोर देन 50 क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर है, उसका प्रैक्टिस अपने को ज्यादा करने का है। राइट सर, इतना करके हो जाएगा क्या? ये नॉर्मल सवाल आता है मेरे पास, बस इतने से हो जाएगा क्या? वैसे आप इस कोर्स में जिसमें कितना भी कर ले तो कुछ नहीं होता, ऊपर से आपके मन में एक बहुत विशाल सवाल है, आपके मन में सवाल यह है कि सर सिलेबस चेंज हो रहा है फिर क्या होगा, क्या ये फास्ट ट्रैक जो हम कर रहे हैं वो वर्थ इट रहेगा क्या मई अटेम्प्ट के लिए या नवंबर अटेम्प्ट के लिए। वेल, मैं आपको एक थोड़ा सा लाइट क्लियर कर दूं। सर ये जो अपनी बात चल रही है न्यू सिलेबस आएगा 100% चांसेस है कि आपको ऑप्शन ना मिले, है ना, 99.9 तो है ही आपको ऑप्शन ना मिले। दूसरी बात, मई में तो कंफर्म नहीं आ रहा, ये तो आप भी जानते हैं, और आपको देना नहीं है तो जिस चीज की पंचायती करना नहीं उसमें बैठना नहीं, तो वो नवंबर में आएगा, मई में आएगा, जब आएगा तब आएगा। आज आपके पास एक ही चीज है, मई है और इसको अभी ही खत्म करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं, दूसरी बात, नया सिलेबस आ भी गया तो जो ड्राफ्ट हमारे पास आया है उसमें हम लोगों ने देखा कि डीटी के अंदर में कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा एक्सेप्ट मार्क्स। मार्क्स का पॉइंट यह है कि शायद डीटी को 60 के जगह 50 करने की बात चल रही है, बस इसके अलावा कंटेंट वाइज कहीं चेंज नहीं है। रीजन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पहले भी वैसा था, बाद में भी वैसे ही रहेगा, तो वो सारे हेड या बाकी सारे टॉपिक एज इट इज रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं बदलने वाला। ठीक है सर, एक और सवाल जो आपके मन में आया, सर क्या बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं? अमेंडमेंट है, बहुत सारे नहीं है, स्पेसिफिक एट इंटर लेवल अमेंडमेंट है, बहुत सारे नहीं है। राइट, बट जो जो अमेंडमेंट है वो मल्टीपल जगह इंपैक्ट कर रहे हैं, जितने भी अमेंडमेंट है वो मल्टीपल जगह इंपैक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने को देखने की जरूरत है। तो ये मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज करनी है सर, इसके अलावा बच्चा मेरे से पूछता है उसके सवाल के जवाब मैं आज ही दे रहा हूं सारे। सर मेरे को मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि एक खाद अटेम्प्ट बाद हमें याद भी आ जाता कि जो भगवदगीता हमने खोली नहीं, जिसके आरती करके हमने रख दी थी, क्या उसको भी खोलना जरूरी है क्या? मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, इंडिया का ऑलमोस्ट हर टीचर ने मॉड्यूल कंसिडर किया ही होगा, बाय डिफॉल्ट में होता ही है। राइट, उसके बावजूद भी अगर टाइम बच जाता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से अगर देखें तो रफली 100-105 दिन आपके एग्जाम को बच रहे हैं, आपके पास मेरे हिसाब से टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर टाइम मिलता है तो जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चनेयर के अंदर में कवर्ड है। चलिए, ये तो मेरी बात हो गई, मेरे अलावा जिसने आपके ही साथ रखे कुछ अचीव किया है वो भी कुछ बोल दे तो ज्यादा बेटर है। मैं आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगा ऑल इंडिया रैंक 37 इन दिस अटेम्प्ट ऋषभ, यू आर राउंड ऑफ अप्लॉज ऋषभ, ये हमारे तरफ से आपके लिए, एट द सेम टाइम डेरी मिल्क भी आपके लिए, इसके अलावा जो ट्रॉफी हम लेंगे वाले ऑल इंडिया 37। इस बार के रिजल्ट्स में भी बता दें ऑल इंडिया रैंक 8 भी अपना ही था, 37 भी अपना है, फाइनल में भी रैंक अपने हैं। तो मैंने जानबूझ के ऋषभ भाई को बुलाया, मैंने ऋषभ भाई को सुबह एक बात कही, मैंने रैंक के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही, बट मैंने एक और बात कही जो वो शायद बताएंगे भी। मैंने बोला देख यार, जब रैंक आता है ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि अपने साथ वाले जितने लोग हैं उनको ये नहीं बताना है कि हाँ मैं पास हो गया बड़ा हो गया, मैंने बोला उनको मोटिवेट करना है। तो मैंने बोला 5 मिनट अगर तू आ सकता है मेरे भाई और बोल सकता है कि कैसे हो। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऑब्वियसली एक गैप होता है, पर सेम लेवल पे जब दो दोस्त हो तो गैप नहीं होता, क्योंकि कई बार जो कंसेप्ट टीचर नहीं बता पाता या जो कंसेप्ट टीचर क्लियर नहीं कर पाता वो कई बार दोस्त क्लियर कर देते, बराबर है कि नहीं? यस, सो एक बार ताली बजाइए ऋषभ के लिए। ऋषभ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं इसमें नहीं रहूंगा। पहले तो सर का थैंक यू सर, हाँ सर ने मतलब बोल दिया रैंक पर हूँ लेकिन मतलब मैं एवरेज ही हूँ, लेकिन मतलब ऐसे कोई सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होते हैं ना, कोई कोई लोग जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है वो इनबॉर्न होता है, तो सबके पास तो नहीं होता, तो बाकी जो बचे हुए उनको हार्डवर्क ही रहता है, तो हार्डवर्क करके भी हम मतलब रैंक में आ सकते, वही है मेरा।
और सर ने मतलब हम बोलते हैं ना, मतलब हम ट्राई करते तो हम आइदर सक्सीड होते या फेल तो नहीं होते, लर्न करते, एक्सपीरियंस गेन करते और फिर उन एक्सपीरियंसों से हम मतलब हम सीखते हैं कि हमारी गलती क्या हुई और इवेल्युएट करके अगली बार कोशिश करते हैं कि मतलब वो गलती ना हो। सर ने बोला कि मोटिवेट भी करना है, तो मतलब मोटिवेट तो मतलब कोई कर देगा, आज कर देगा, मतलब शाम तक वो उतर जाता है मोटिवेशन का डोज। तो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन वर्क करता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, और मतलब दिमाग में ये रख के चलना पड़ता है, मतलब ये एग्जाम दिया तो अगले मतलब फाइनल का अटेम्प्ट आने में 2 साल है, तो तब तक कोई एग्जाम नहीं, मतलब ऐसे बीकॉम की एग्जाम होती है वो तो कोई एग्जाम होती नहीं। ऐसा नहीं बोलते, बहुत जरूरी है वो भी। फिर वो वैसे फिर खुद को ही मतलब मोटिवेट करना रहता है, मतलब जितना आप खुद को मोटिवेट करोगे उतना ही है। और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम टारगेट सेट करते हैं लेकिन 90% होता है कि वो दिन में अचीव ही नहीं होता, तो उससे भी डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन मतलब MS धोनी का मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका मतलब वो कहते हैं ना, बिलीव इन प्रोसेस, रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। तो हमें मतलब खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और मतलब हम जो कर रहे हैं कई बार लगता है कि अरे आज गलत हो गया, अरे गलत कर रहे हैं हम, लेकिन खुद पर भरोसा रख के हमें मतलब जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए, तो रिजल्ट तो आता ही है, मतलब अच्छा आता ही है। Yes. अभी इनके पास करीब कुछ 100 दिन बचे हैं, राइट? अभी इनके पास कुछ करीब 100 दिन बचे हैं, ये टारगेट किस तरीके से ले? आई मीन किसी का एक ग्रुप होगा, किसी का दो ग्रुप होगा, तो कब तक इन्होंने एक रफली खत्म करना चाहिए? टेस्ट पेपर्स या टेस्ट सीरीज क्या एक बड़ा रोल प्ले करती है क्या? ये दूसरा सवाल है जो मोटे मोटे तौर पर मेरे पास सवाल है। तीसरा, घर पे पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े? चौथा, दिन में पढ़े, रात में पढ़े? पांचवा, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मोटे मोटे तौर पर यही सवाल है सबके, ये 5 सवालों के जवाब चाहिए। पहले 100 डेज बचे ना, तो मतलब मेरा भी हुआ था अगस्त में, सिलेबस खत्म हुआ था ये अटेम्प्ट का, तो सितंबर अक्टूबर था, अक्टूबर में तो मतलब ज्यादातर टेस्ट सीरीज ही थी, तो कुछ अगस्त के 10 डेज थे और सितंबर महीना था, तो उसमें ही मतलब पढ़ता था, मतलब सुबह पढ़ना या रात में पढ़ना हो तो मतलब हर एक के इस पे डिपेंड करता है। मतलब मेरा था, मैं सुबह 8 बजे से बैठता था, फिर रात को मतलब चलता रहता था, तो मतलब बैठता रहता था, लेकिन पढ़ाई मतलब कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई जो कहते हैं वो मतलब 12 to 13 hours होती है, मतलब अगर 16 घंटे बैठे तो 12-13 घंटे कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई होती है, मतलब उस पर थोड़ा खाना ये सब होता है। और घर पे मतलब मैं तो घर पे पढ़ा था, मुझे मतलब आदत है कि ऐसे पूरा ऐसे करके बैठना, तो और घर पे कोई नहीं रहता तो शांति रहता तो घर पे रहता था, लेकिन अगर किसी के घर पे नहीं, किसी को शांत चाहिए तो लाइब्रेरी में जा सकते हैं। कितने ग्रुप 1 कब तक खत्म हो जाना चाहिए लगभग, अगर कोई सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है तो? सर ग्रुप 1 दे रहा है तो मतलब फेब तक, तो मतलब एक बार 2 रिवीजन तो हो सकते हैं फेब तक, क्योंकि एक बार पढ़ के हो गया रहेगा तो, लेकिन अगर किसी का मतलब ज्यादा ही नहीं हुआ रहेगा तो मार्च तक होके फिर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज क्या रोल प्ले कर रही है? सर टेस्ट सीरीज मतलब इंपॉर्टेंट रोल, मतलब हमें उसमें समझ जाता है, मतलब मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था तब मुझे मतलब 80-85 marks ही अटेम्प्ट हो पाते थे, तो समझ में आया मतलब किधर गलती हो रही है, किधर ज्यादा टाइम जा रहा है, तो उसको मतलब इम्प्रूव करने को मिला, टाइम मिला, तो जो असली एग्जाम थी तो उसमें मतलब 95-100 मतलब हो जाते थे, तो टेस्ट सीरीज मतलब राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है, मतलब थियरी तो हम पढ़ते पढ़ते लेकिन वो जब असल में लिखने को आता है तो लिख नहीं पाते, तो टेस्ट सीरीज की मतलब वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि थ्योरी को कैसे डील करें? हाँ, थ्योरी मतलब मुझे तो प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद था लेकिन थ्योरी भी करनी पड़ती थी तो लेकिन फिर उसमें मतलब मॉड्यूल ही रेफर करता था मैं ज़्यादा, मॉड्यूल से ही पढ़ता था, फिर क्वेश्चन मतलब जो भी सर रहते उन क्वेश्चनर तो सब देते, तो उसमें से क्वेश्चन लेता था, मतलब एक दो क्वेश्चन लिख के देखता था कैसे हो रहा है, और मतलब मैं इसमें जाए तो कंपनी लॉ, तो उसमें लॉज में मतलब कंपनी लॉ में हम मतलब फोकस करते लेकिन अदर लॉज इग्नोर कर देते, तो 40 marks का है बोल के, तो लेकिन उसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट इजी था तो जो इजी इजी पार्ट थे उस पर ज़्यादा फोकस किया, और हार्ड थे उसमें मतलब बाद में पहले उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी, तो वैसे EIS SM में EIS मेरा ठीक ठाक था, SM 50 marks का आता है, तो वो प्रपोर्शनेट मतलब EIS का सिलेबस ज़्यादा है SM से, तो SM अच्छे से करके गया था, और EIS का 3 topic थे वो मतलब एकदम परफेक्ट करके गया था, बाकी 2 ठीक ठाक थे, तो ऐसे अपने अपने हिसाब से होता है ना, वो सबको पता चलता है कि मतलब अपने को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या कौन सा टॉपिक अच्छा है, तो जो अच्छा है उस पर मतलब ज़्यादा फोकस करके मतलब उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करते आना चाहिए, और जो अच्छा नहीं मतलब जिसमें हमें थोड़ा कम लगता है अपने को तो उसमें ठीक ठाक पढ़ के जाने का, जो क्वेश्चनियर है और जो RTP में आता है पिछले 2 attempts के वो सब करके जाए तो हो जाता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऋषभ।
थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलो जी, सो मेरे हिसाब से चालू कर ले अब, है ना। चलिए तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आई थिंक इट्स द फर्स्ट डे, आपने नोट्स वोट्स तो लिए नहीं होंगे, बट हाल फिलहाल में आप इस नोट से भी काम चला सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सब अगर टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप, हाँ मैं बोलता हूँ इधर से एक बार ट्राई कर, मैं बोलता हूँ t.me/CA Vijay Salda, ठीक है। तो ये भी अगर आप देख लेते हैं, ये भी अगर आप देख लेते हैं, तो यहां पे मैंने आपको नोट्स दिया है, पीडीएफ दिया हुआ है, देखिए आपको पीडीएफ आ गया होगा चैप्टर नंबर वन का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर वन, उसका पीडीएफ मैंने यहां पे ऑलरेडी डाल दिया है। यस, आज जो हम इधर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर वन, इसका पीडीएफ मैंने आपको डाल दिया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सीए विजय सारडा, इस पर आप कनेक्ट रह जाइए, इस पर बहुत सारी चीजें जो पीडीएफ वाली है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में जब तक के आपके नोट्स आ रहे हैं या जब तक के एटलीस्ट आप नोट्स कलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक के सीए विजय सारडा चैनल के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है मालिक। जैसे आप पीडीएफ ओपन करेंगे या बुक ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको थैंकिंग नोट दिया हुआ है, इसके बाद आपको इस बुक फास्ट ट्रैक बुक्स का इंडेक्स दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे 17 टॉपिक इसमें कवर किया गया है, इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, तो सब कुछ कवर किया गया है। रफली आप मान के चलिए 100-120 पेजेस के अंदर में आपका सारा कंटेंट खत्म है। यस, इसी के साथ साथ हर जगह से कनेक्ट होने की डिटेल्स भी यहां पे दी हुई है कि आप यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। बुक जो बनाई गई है ये मल्टी कलर बनाई गई है, तो ब्लैक कलर आपका जनरल कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा है, ग्रीन कलर जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा है, एंड ऑब्वियसली द रेड जो होगा ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट या इस साल का अमेंडमेंट दोनों मिलाकर के कवर किया होगा। तो बुक का कलर कोडिंग कुछ इस तरीके से रखा गया है। यस, इसके बाद आपके कुछ रिव्यूज एंड अदर चीजें डाली हुई है। कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, आज हम लोग सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, राइट। सभी लोग मेरे साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, जो बुक बनाई गई है इसमें कुछ और चीजें ध्यान में रखी गई है। सबसे पहले हर टॉपिक के पहले आपको यहां पर एक छोटा सा इंडेक्स दिया हुआ है, उसी के साथ साथ यहां पर नीचे कहां अमेंडमेंट आया है वो लिखा हुआ है, एंड यहां कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर उस टॉपिक से पहले लिखे होंगे तो वो। स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारे मोटिवेशन के साथ, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, मैं ये हमेशा कहता हूं, क्यों, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोकस उस जगह पे होना बहुत जरूरी है। 50 चीजें मन में आएगी उन सबको छोड़ो, आगे बढ़ो, राइट। सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। देखिए कोई भी एक्ट अगर लगाना है, कोई भी एक्ट अगर लगाना है तो हमारे पास उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी बहुत जरूरी है। तो क्या इनकम टैक्स की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, इस बात को समझने के लिए आर्टिकल नंबर 265 हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। तो आर्टिकल 265, सभी लोग मेरे साथ आवाज निकालेंगे, आर्टिकल 265, नो टैक्स, वापस बोलो, कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी आर्टिकल 265 कहता है किसी भी तरीके का टैक्स ना लेवी किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है। लेवी करना मतलब इंपोज करना, कलेक्ट करना मतलब रिसीव करना, किसी भी तरीके का टैक्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जब मैं बात टैक्स की कर रहा हूं आई मीन एंड इंक्लूड डीटी एंड आईडीटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हम दोनों तरीके के टैक्स की बात कर रहे हैं मालिक। कैन बी लेविड, लेविड का मतलब क्या हुआ बेटा, इंपोज, इंपोज करना, लगाना। क्या ऐसा हो सकता है रात 12 बजे आज मोदी जी ने सोचा, भाई और बहनों मैं आज से 2023 में एक्स टैक्स लगा रहा हूं। नाउ एक मिनट, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। पूछो क्यों? लॉ कह रहा है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब वहां कोई लॉ होना चाहिए और उस लॉ को किसी अथॉरिटी ने पास करना चाहिए। लॉ मतलब क्या, कोई एक्ट होना चाहिए और ये एक्ट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए किसके द्वारा बेटा, बोलो जल्दी से, अथॉरिटी द्वारा। तो नो टैक्स कैन बी लेविड, तो रात में अगर प्रधानमंत्री सोचते भी है, जिस तरह से नोटबंदी की थी उसी तरीके से मैं क्या कर लेता हूं, मैं नया एक्ट भी ला लेता हूं। चलिए सोचते हैं वो कि भैया चलो एक काम करते हैं, आज रात से डीटी का एक्ट ही बदल देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अनलेस एंड अंटिल दिस इज पास्ड बाय अथॉरिटी। सो ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। चलिए इतनी दूर आई है तो छोटा सा सवाल का जवाब आप फटाफट मेरे को देते रहेंगे, आपके मॉड्यूल में ये चीज कवर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी? चलो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी?
देखो मेरे को तुमसे बस एक एक्सपेक्टेशन है, वो है तुम मेरे साथ इंट्रैक्शन करते रहो, ठीक है? बराबर है, मैं तुम्हारे लिए मेरी सगी बीवी को छोड़ के आया हूं, तो तुम बस मेरे से ना इंट्रैक्शन करते रहो। हाँ वेरी गुड, सो डीटी द टैक्स इज ऑन इनकम एंड सर्विसेज, यस, वेयर एज या इनकम के ऊपर अगर हम डीटी आईडीटी को स्पेसिफिक की बात करें, दीज आर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा मुझे बताइए, डीटी पर्सनल टैक्स है या इम्पर्सनल टैक्स है? इज इट पर्सनल टैक्स? से यस, बरे ये पर्सनल है, ये क्या है बेटा? इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है? आप खुद से पे करते हो। इम्पर्सनल मतलब क्या होता है? आप कलेक्ट करके पे करते हो। यस, डीटी को कौन सी बॉडी हैंडल करती है बोल मेरा बच्चा? सीबीडीटी। आईडीटी को कौन सी बॉडी हैंडल करती है? सीबीआईसी। ये मेजर डिफरेंस है, याद करते रहो, कुछ रिफ्रेश करा रहा हूं क्योंकि मेरा अजम्पशन बड़ा क्लियर है, पहली बार पढ़ रहे हो। यस, हाँ बस स्पीड थोड़ी सी रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसको सीबीडीटी हैंडल करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन हैंडल करता है? सीबीआईसी। सो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ होना चाहिए, मतलब कोई एक्ट होना चाहिए, और इस एक्ट को कौन पास करेगा? कोई अथॉरिटी। अब आप मुझे बताइए, भारत में एक्ट कौन बनाता है? जल्दी बताओ, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे वापस से सवाल पूछता हूं, भारत में एक्ट कौन बनाता है? बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। अरे बोलो ना, पार्लियामेंट। आपको लगता है? अच्छा प्रेसिडेंट है, यस यस प्रेसिडेंट। आपको सच में लगता है पार्लियामेंट में एक्ट बनेगा या पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा? हाँ, गाय दूध देती है, हाँ या ना? निकालना पड़ता है, बेसिक बेसिक चेंज इन वर्ड्स। गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो वैसे ही पार्लियामेंट से उसको पास करती है, बनाता कोई और है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाता है और उसको अकॉर्डिंगली अप्रूव किया जाता है। अब एक सवाल उठता है, आखिर इसको अप्रूव करेगा कौन? इसको अप्रूव करेगा कौन? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मेरी बात सुनना, जब क्या बनाया गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब सबसे पहली अथॉरिटी रखी गई प्रेसिडेंट। कौन रखा गया? प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट शैल पास एन एक्ट। इसीलिए देखो, जब आप बचपन में थे, फाउंडेशन में थे, कौले कौले बच्चे थे, तब आपको क्या किया गया था? बताया गया था कि पहले बिल बनता है, बिल क्या बनता है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, फिर जाके वो क्या बनता है? एक्ट। बराबर है, यानी प्रेसिडेंट क्या करता है? बिल बनाने के बाद उसे एसेंट देता है, तब जाके वो क्या बनता है? एक्ट। तो एक प्रेसिडेंट। लेकिन आप सोच करके देखिए, एक सोच करके देखिए, प्रेसिडेंट एक्ट बना सकते हैं, यस, पर प्रेसिडेंट से पहले एक और जन था जो एक्ट बनाता है, एंड वो है पार्लियामेंट। जनरली जनरल रूल, पार्लियामेंट शैल पास द लॉ, क्योंकि प्रेसिडेंट असेंट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। प्रेसिडेंट असेंट से पहले उसे पार्लियामेंट में पास होना जरूरी है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। यस, इसीलिए सबसे पहला अधिकार दिया गया किसको? पार्लियामेंट को। देखिए आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 कहता है पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो सबसे पहला अधिकार दिया गया किसी भी तरीके को लॉ को बनाने के लिए कि भैया पार्लियामेंट इसे पास करेगा। अब पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है, हाँ या ना? पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है, हाँ या ना? ना। अब पार्लियामेंट अगर साल भर सेशन में नहीं है और देश में अर्जेंसी आई कि आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, कोई एक्ट पास करने हैं, अगर जैसे हम रिसेंटली बात करें, अगर आप देखें हमारे चार धाम यात्रा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जोशी मठ, सुना है? कुछ इश्यू चल रहा है, द जोशी मठ इज सिंकिंग। अब अगर सपोज लोगों की जान बचाने के लिए या किसी और चीज के लिए कोई तुरंत इमीडिएट एक्ट बनाना पड़ा या कोई एक्शन लेना पड़ा, पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, तो क्या हम कोई एक्ट पास नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। दूसरा ऑर्डर दिया प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 123। क्या बनाया बेटा? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट में प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं मालिक? ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं कि भैया ये एक्ट जैसे वर्क करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, तो क्या ऑर्डिनेंस भी एक्ट होता है?
आंसर इज यस, जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए तब तक. वापस बोलो, जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए तब तक. यस yes. तो सबसे पहले जब भी कोई एक्ट बनाना है, एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आर्टिकल 265 कहता है ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है ना लेवी किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब लॉ बनाना है, लॉ को पास करेगा कोई अथॉरिटी. अथॉरिटी कौन कौन है? पहली अथॉरिटी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट. यस सर, एक बार ऑर्डिनेंस बनाया, ऑर्डिनेंस बना करके पार्लियामेंट सेशन में आया, फिर क्या होता है? या तो पार्लियामेंट उसे पास करके आगे बढ़ा देता है, या तो पार्लियामेंट नया लॉ पास करता है और ये ऑर्डिनेंस यही खत्म हो जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दो तरीके से इस तरीके का प्रोविजन बन सकता है. अच्छा जी सर, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो अब अथॉरिटी मतलब कितने लोग हुए? दो. पहला पार्लियामेंट, दूसरा प्रेसिडेंट. पक्की बात हुई, ये लॉ बनाएंगे. लॉ शैल बी पास्ड. टैक्स की बात करते हैं. ओ हो, हम बात कर रहे हैं टैक्स की. क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है, या टैक्स में सरचार्ज भी होता है और एचईसी भी होता है? हाँ या ना? तो जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? ना मुन्ना ना, टैक्स में टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी भी होता है. अच्छा जी सर, टैक्स कलेक्ट करने का पावर हमारे पास कहां से आया? टैक्स कलेक्ट करने का पावर हमारे पास आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल 265 में हमें पावर दिया, जो अथॉरिटी पास करेगी देन वो क्या कर सकती है? कलेक्ट कर सकती है. रीड विद आर्टिकल 246 जो अब हम पढ़ेंगे. सरचार्ज, व्हाट इज सरचार्ज? चलो बेसिक फटाफट क्लियर करो. और साहब मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप बोलते जाओ, गलत होगा चलेगा, हम सब यहां पे सीखने आए हैं तो गलत होगा चलेगा, जो माइंड में आ रहा है फटाफट बोलते जाओ. सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम एक लिमिट के ऊपर चल जाए. वो लिमिट क्या है कुछ याद नहीं आ रही, धुंधला 50 लाख. 50 लाख के ऊपर हर केस में सरचार्ज लगता है या पर्सन टू पर्सन सरचार्ज बदलता है? यस, पर्सन टू पर्सन सरचार्ज बदलता है. ठीक है, जनरल इंडिविजुअल के लिए याद करते हैं हम लोग, 50 लाख के ऊपर हमें सरचार्ज लगता है. सरचार्ज इनकम पे लगता है या टैक्स पे लगता है? सो टैक्स ऑन टैक्स इज सरचार्ज. हेलो, सो सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स. टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाया गया, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सरचार्ज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरचार्ज लगाने का भी पावर तो कहीं से आना चाहिए जैसे टैक्स लगाने का पावर है. अरे हाँ, पावर के बिना लाइट जलेगी कैसे? अरे दोस्त, पावर के बिना लाइट जलेगी? पावर कहां से आ रहा है पहले ये तो बताओ. और एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जल्दी जल्दी बताइएगा, मजा आएगा आपको. जो टैक्स कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? बात निकली है तो दूर जाए तक जाएगी, क्योंकि मैंने टैक्स पे किया. ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? जल्दी बोलो, स्टेट. हाउ मेनी पीपल स्टेट? हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ. हाउ मेनी पीपल स्टेट? जितने लोग ऑनलाइन है जल्दी कमेंट करके बताओ, स्टेट कितने? नहीं, जीरो. जो पहले बोल रहे थे वो भी हाथ चुप हो गए. बाकी सब सेंटर, और जिनका कोई ओपिनियन नहीं उनका क्या? चलो समझते हैं, सेंटर या स्टेट. सेंटर या स्टेट, इस बात की भी क्लैरिटी लेनी बहुत जरूरी थी. सेंटर या स्टेट, इस बात की भी क्लैरिटी लेनी बहुत जरूरी थी. देखिए, जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, भारत सरकार जब बनी और पावर्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट, एक आर्टिकल बना, आर्टिकल नंबर 246. कौन सा आर्टिकल बना? आर्टिकल नंबर 246, रीड विद शेड्यूल 7. आर्टिकल नंबर 246, रीड विद शेड्यूल 7. कुछ पावर्स किसको दिए गए? सेंटर को दिए गए, कुछ पावर स्टेट को दिए गए, और कुछ पावर बोले बोथ रखा जाए. दी ग्रेट बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला, यार मैं सेंटर को सारे पावर दे दूंगा, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो किसी की सुनेगा ही नहीं, स्टेट परेशान हो जाएंगे. हो सकता है मैंने स्टेट को सारे पावर दे दिए तो भारत कभी रहेगा नहीं, हर स्टेट अपना ये बना लेंगे, कंट्री बना लेंगे, और अगर दोनों को दिया तो दोनों झगड़े करेंगे. उन्होंने बोला कुछ चीजें अगर सेंटर के हाथ में रहे वही अच्छा. जैसे होता है ना, हमारे घर में कुछ डिसीजन मम्मी पापा के हाथ में रहे वही अच्छा. हमारे हाथ के हिसाब से हुआ तो आप समझ रहे हैं ना क्या होने वाला है, हमारा एक भी रिलेटिव दिखेगा नहीं फिर. कुछ पावर सेंटर के हाथ में दिए, सेंटर के हाथ का ये जो पावर था ये बना एंट्री नंबर 82. इस लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट. कभी पड़ा पड़ा सा लग रहा है आप कुछ?
यस, बस एक एक परत मैं खोलते जा रहा हूं, याद आपको सब आएगा, मेरी बात समझना। तो भैया हम लोग टैक्स की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 265, मालिक चालू कहां से किया था? आर्टिकल नंबर 265 से चालू किया था। आर्टिकल नंबर 265 में कहा कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो हम टैक्स ढूंढने निकले, टैक्स मतलब क्या? सिर्फ टैक्स होता है? नहीं, टैक्स मतलब टैक्स भी होता है, सरचार्ज भी होता है, HEC भी होता है। क्या तुम्हें याद है? Yes or no? अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं टैक्स, तो हमें पता चला टैक्स लगाने का पावर 265 से आया, लेकिन टैक्स कलेक्ट करेगा कौन? सेंटर, स्टेट या बोथ? हमें पता चला एक और आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7, कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर स्टेट को दिए, और कुछ पावर किसके हाथ में आए? बोथ। कुछ पावर किसके हाथ में आए? बोथ। सेंटर के हाथ में पावर दिया गया एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। क्या कहा गया? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। वापस से बोलो, क्या कहा गया? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। वर्ड देखिए क्या लिखा, टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे जितने भी प्रकार के टैक्स है वो कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में गया? सेंटर। लेकिन एग्रीकल्चर का टैक्स उधर गया नहीं, एग्रीकल्चर कहां गया फिर? एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या गया? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में है? सेंटर। और एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में है? स्टेट। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्या हम इस तरह से अलग अलग पे करते हैं? आंसर इज नो। पूरा टैक्स एक साथ कलेक्ट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे वो इनकम का हो, यह पूरा टैक्स एक साथ कलेक्ट होता है। और यह पूरा टैक्स जो एक साथ कलेक्ट हो रहा है, यह बाद में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह बाद में क्या होता है मालिक? डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप ये पूछेंगे, क्या सच में ऐसा होता है? पूछो ना, क्या सच में ऐसा होता है? क्या आप बात कर रहे हो, यही तो बात है। आओ आर्टिकल नंबर 270 देखते हैं, आर्टिकल नंबर 260 देखते हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं कि इनकम टैक्स पढ़ो? आप इनकम टैक्स ही रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा क्यों हो रहा है पहले वो भी तो पढ़ो। यस, हाँ जी। तो आर्टिकल नंबर 270 क्या कह रहा है, जरा एक बार मेरे साथ आपके शब्दों में, प्यारे रोचक शब्दों में पढ़ो ना मेरे साथ, क्या लिखा है? All taxes and duties except specified shall be levied by central government and distributed between union and state. Collection center level पे ही होगा, बाद में क्या करते बैठेंगे? Distribute करते बैठेंगे। So collection कहाँ होता है? Center पे, right? तो आप tax pay कहाँ करते हैं? Pay central government को करते हो। Pay कहाँ करते हो? मेरे को pay करना है, पैसे है मेरे पास, कहाँ जाऊँ? Central government के पास जाऊँ? नरेंद्र भाई के पास मैं जा रहा, मैं पहुंचा नरेंद्र भाई के पास। नरेंद्र भाई किन चो? बढ़िया, ये लो मेरा टैक्स, ठीक है? नहीं नहीं, आप लिख के रख दो, मैंने दिया। हाँ, बाद में अपने को लोचा नहीं चाहिए। आप सोचिए, मैं नरेंद्र भाई के पास जाऊंगा? हाँ, मैं क्या समझ गया किसके पास जा रहा हूं मैं, यात्रा कर ही रहे, दे ही दू। मोस्ट हैंडसम बैचलर यात्रा तो कर ही रहे, हर लड़की के दिल की धड़कन बराबर है ना। ये सेजल बोल रही थी मैं शादी उसी से करूंगी। हाँ, उनको देते टैक्स, टैक्स देते कहां है? मेरे पास पैसे कहां दू ये तो बताओ? देंगे सेंटर को, पर डिपॉजिट कहां करूं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई कैश काउंटर नहीं होता। क्या समझ में आया? अपना बहुत BMW है, बेसिक में वांदे है, अपने बहुत बेसिक में वांदे है, पर इस ये कहीं बुरा नहीं है, कुछ नया सीखने को मिलेगा तभी तो आप यहां हो। अरे हाँ, तो बोलो आप डिपॉजिट कहां करते? चाय पिलाओगे? चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिलाएंगे ना। हाँ, इनकम टैक्स में नहीं, आप चलान सबमिट करते हो बैंक में, यू पे इनकम टैक्स इन बैंक, थ्रू बैंक, ये ज्यादा सही वर्ड है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो पे टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आप सबसे पहले जाते हो बैंक में, बैंक में आप चलान भरते हो, चलान के थ्रू टैक्स पे होता है। आज ये ऑनलाइन भी होता है, आज ये
ऑनलाइन भी होता है, चलान नंबर 280 बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, बोले जल्दी से, चलान नंबर 280 आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, जो सीधा सीधा किस कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कहा जाता है बोले जल्दी से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? एक ऐसा फंड जिसमें सारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, डीटी प्लस आईडीटी, इसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये क्यों बताया, मेरी बात सुनिए, जो भी टैक्स ड्यूटीज आप कलेक्ट कर रहे हैं ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है सरकार के लिए ये रेवेन्यू है? हाँ या हाँ? अरे सरकार के लिए रेवेन्यू है? हाँ या हाँ? सरकार के लिए रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू सरकार खर्च कहां कर सकती है बताइए? आर्मी पर्सनल्स का सैलरी पेमेंट कर दें, रोड बना लें, डैम ब्रिज कनाल रोड एयरपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी पे कर दें, ठीक है, टैक्सेस से क्या कोई भी खर्चा किया जा सकता है? यस। सरचार्ज कौन कलेक्ट करता है? एक मिनट, आपने टैक्स के बारे में डिस्कशन किया, अब मैं यहां से मूव हो रहा हूं सरचार्ज पे। सरचार्ज कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सरचार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं। पॉइंट बी नोटेड, ये एमसीक्यू में कभी पूछा गया है, जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरचार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, एंड सरचार्ज इज ऑलवेज केप्ड बाय यूनियन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझिए, टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। टैक्स क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन लगता है? यूनियन। सर आप कैसे कह सकते हैं ये? अरे ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद यही जानते हैं, आर्टिकल 271 पढ़ो ना, आर्टिकल नंबर 271, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटी बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 270 डिवाइड होगा, सरचार्ज किसके पास पड़ा है? यूनियन के पास पड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखना कुछ भी नहीं, मैं सब लिखाऊंगा एक साथ शॉर्ट में, अपने को इतना सब लिखना है, लंबा नहीं, जो तुम्हारे काम का उतना लिखना, कॉन्सेप्ट पूरा समझो मेरे साथ और जवाब देते जाना। हाँ जी, मजाक मजाक में पांच आर्टिकल ठोक दिया आपने, चलो वापस चालू करो, स्टार्ट किया था हम लोगों ने आर्टिकल नंबर, नो टैक्स, बोलते जाओ, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, दो अथॉरिटी बनी, हाँ आर्टिकल, आर्टिकल 245, पहली अथॉरिटी कौन? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट बना सकता है, यस। अच्छा, जो टैक्स कलेक्ट होगा क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? किस पे? सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो सरकार आप कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ किसके पास रहेगा? यूनियन के पास, ठीक है। टैक्स के अंदर में क्या हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं? टैक्स के साथ साथ सरचार्ज की भी बात कर रहे हैं, सरचार्ज, तो सरचार्ज इज ऑलवेज केप्ड बाय यूनियन, इज ऑलवेज केप्ड बाय यूनियन। हाँ, इसके बाद है एचईसी, एचईसी, एचईसी मतलब कितना परसेंट है? एक जमाना था जब 3% हुआ करता था, अब ये कितना परसेंट है? 4%, 4% ऑफ व्हाट? इनकम, टैक्स, टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज का 4%, यस। तो क्या मैं इसे भी कह सकता हूं इट इज टैक्स ऑन टैक्स अगेन? यस। क्या सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है या सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए? यस। तो एचईसी जब भी आप कलेक्ट करेंगे ये आप सिर्फ पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, आप सिर्फ पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो चलिए रजिस्टर में जाइए, आपने जो भी रजिस्टर लाया होगा रजिस्टर में जाइए, प्लीज राइट डाउन बेसिक्स, प्लीज राइट डाउन बेसिक, ठीक है, बेसिक लिखा आपने, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पॉइंट नंबर टू, अथॉरिटी मींस पार्लियामेंट ऑब्लिक प्रेसिडेंट, अथॉरिटी मींस पार्लियामेंट ऑब्लिक प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट, टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट, टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस. टैक्स इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस. फोर्थ पॉइंट, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स. सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स. And can be utilized for any purpose. Can be utilized for any purpose. However, it is kept only by union. Kept only by union. Clear? HEC, next point. HEC can be utilized only for specific purpose. HEC can be utilized only for specific purpose. Done. Next point. Income tax is covered under entry number 82 to the union list. Income tax is covered under entry number 82 to the union list. बराबर है? यहां तक का आधे घंटे का डिस्कशन आपने पांच लाइन में खत्म कर दिया. आपको समझ में आया हमें करना क्या है? हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, उसको समअप करना है शॉर्ट में. अब इतना पार्ट भी आपने जाके पढ़ा तो आपका पूरा समराइज पॉइंट आ गया. ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज हो गई आपके लिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मालिक, इनकम टैक्स एक्ट, बराबर है? एक्ट बना इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. सवाल यह है, एक्ट में कितने सेक्शन है रफली, कुछ याद है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कितने सेक्शन है. 297, हाँ 298, आंसर इज 298. लेकिन मेरी बात सुनिए, ये किताबों के लिए है. ठीक है, ये किताबों के लिए. एक दिन मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया इस सब्जेक्ट से. जब मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया इस सब्जेक्ट से तो मैं लेकर के बैठा कि आगे इसमें सेक्शन कितने हैं. तो पता चला 758 सेक्शन है. फिर आप सोचेंगे गड़बड़ कहां हो रही है, ये लोग सेक्शन को 80 तो 80 ही गिनते हैं. लेकिन आप और मैं जानते हैं 80 में 80A, 80B, 80C, CCC, CCD ये सब ये लोग काउंट ही नहीं करते. 80 का मतलब 80. और इस तरीके से ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? बेवकूफ. तो कहने के लिए 298 सेक्शन है, ऐसे 758 सेक्शन है. सर क्या मुझे पूरे 758 सेक्शन पढ़ने होंगे? ना, कुछ 250. ये एक जन्म में, एक अटेम में इतना. चलिए, सो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रजिस्टर में लिखिए. देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स. देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स. ठीक है, 298 सेक्शंस. ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए एक लाइन में खत्म किया. अच्छा मुझे एक बात बताइए, हर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है. इज इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? हाँ या हाँ? यस. जरा बुक में देखिएगा, द इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. सर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, कभी भी नहीं था. आर्टिकल से पहले भी नहीं, आर्टिकल के बाद भी नहीं. दैट इज अ लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू हमेशा से कलेक्ट किया जाता था. सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. काम की चीज. अगर देखिए, पेन नीचे रख दीजिए, पांच मिनट बाद उठाएंगे पेन को. आगे का और 15-20 मिनट का डिस्कशन करते हैं. सोचिए सर, अगर ये एक्ट एप्लीकेबल है तो ये कब का एप्लीकेबल है? क्योंकि हम हर बार सुनते हैं, हर अटेम्प्ट बदलते नहीं है इसमें अमेंडमेंट आ जाते हैं, हर अटेम्प्ट बदलते नहीं है इसमें अमेंडमेंट आ जाते हैं. तो एग्जैक्टली एक बार क्लियर कर दीजिए हमें है क्या. ठीक है,
देखिए आप नवंबर 22 वाले स्टूडेंट अगर हैं, बराबर है, आप लोगों को जो एप्लीकेबल था ये था फाइनेंस एक्ट 2021, बराबर है। पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा होता है, पूरा जो इनकम टैक्स है ये कौन से लैंग्वेज में लिखा होता है, आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा होता है। तो फाइनेंस एक्ट 21 जो था ये मई 22 एज वेल एज नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल था। फिर 1 फरवरी को फाइनेंस एक्ट 2022 आया, बराबर है, 1 फरवरी 2022 जो चला गया, इसको फाइनेंस एक्ट 2022 आया। और फाइनेंस एक्ट 2022 अब कब एप्लीकेबल होगा, फॉर द पर्पस ऑफ मई 23 एज वेल एज नवंबर 23। तो अगर आप सीए स्टूडेंट है या आप सीएमए स्टूडेंट है, आप लोगों को जो एप्लीकेबल है ये है फाइनेंस एक्ट 2022। तो गलती से भी अगर किसी कारणवश आपका हाँ या ना, होना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर किसी इमरजेंसी के कारण, फैमिली इमरजेंसी के कारण ऐसा हुआ कि आपका नहीं भी हो पाया, क्या ये बैच आपको चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। पर अब डिफरेंस समझिए क्या हुआ, कई बच्चे जो मेरे से पूछ रहे हैं सर सेम बुक हम विद अमेंडमेंट पढ़ ले क्या, लॉजिक ही नहीं बन सकता क्योंकि ये दूसरे फाइनेंस एक्ट से एप्लीकेबल थी। तो जितनी आपकी नवंबर 22 की बुक है स्पेशली टैक्स की, ये वेस्ट हो चुकी है, स्क्रैप हो चुकी है, आप बिल्कुल उठा के बाजू रख सकते हैं, ये स्क्रैप है। टेक्निकली मेरी खुद की भी बुक जो बिकी नहीं वो भी स्क्रैप हो गई, समझ में आ रही बात। तो ये आपकी जो बुक होगी ये नई बुक लेनी पड़ेगी, स्पेशली क्वेश्चनेयर कॉन्सेप्ट बुक एंड चार्ट्स ये नए लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट आ जाएंगे और अमेंडमेंट पूरे साल भर के। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप सभी को पता है आप लोगों को नोटिफिकेशंस भी पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलता, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। सर कब तक के नोटिफिकेशन? ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम, यानी अगर आप लोग मई 23 दे रहे हैं तो नवंबर 22 तक के जितने नोटिफिकेशन सरकार ने निकाले होंगे ये आपको एप्लीकेबल हो गए मालिक, यस। अगर आप नवंबर 23 दे रहे हैं तो मई 23 तक के जितने नोटिफिकेशन है ये सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए। एक मिनट, मुझे एक प्रश्न आला है इचारू का, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है? नहीं, बात निकली है तो थोड़ा दूर तक लेके चल जाते हैं, नोटिफिकेशन मतलब क्या, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं तो पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूं, नोटिफिकेशन मतलब, वाह शाबाश, क्लैरिफिकेशन ऑन, क्लैरिफिकेशन ऑन, तो फिर सर्कुलर क्या हुआ? हाँ भाई जी जी जी, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर देखिए एक्ट बन गया, बराबर है, लेकिन एक्ट बनाने वाले को आगे का फ्यूचर का सब कुछ दिख गया होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। समय बदला, वक्त बदले, वो बदले हम बदले, बदलाव तो नियम है ना जीवन का, वो बदले हम भी बदले। अब जब बदल दिया तो लोगों को बताना तो पड़ेगा बदला है। अरे चलो इसे शायरी से कहना चाहूंगा, जरा दाद देना। देखो मेरी एक बात समझना, पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं और इसको मेरे को बीच में फंड डालना पड़ेगा। और शायरी का एक उसूल है, पहले आज सीख लो, पहले होता है इरशाद, क्या होता है इरशाद, ये भी सीखो जरूरी है लाइफ में, है ना, क्योंकि तुम इश्क करोगे आगे, तुम आगे क्या करोगे, इश्क, प्यार नहीं, वो 15 मिनट का गेम नहीं है। अरे मेरा मतलब है इश्क करोगे, वो लंबा चलता है थोड़ा, ठीक है। तो इश्क करोगे तो पता नहीं, पहले होता है इरशाद, फर्स्ट पैराग्राफ के होता है, बाद होता है वाह, और एंड में होता है बहुत खूब, और दिल तक गए तो वाह। समझ नहीं, समझे या ना समझे, ये बेसिक रूल है, जैसे डीटी तुम पढ़ते हो समझे या ना समझे, ठीक है। तो चलिए इरशाद कीजिए जरा, कि कुछ इस तरह बदला है वो, कि कुछ इस तरह बदला है वो, समझ ही नहीं आता बदला है या बदला है, समझ ही नहीं आता बदला है या बदला है। तो चलिए पॉइंट समझिए, नोटिफिकेशन आया, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज का मतलब क्या होता है समझिए, कोई भी नया चेंज आया तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा एक्ट में, थ्रू नोटिफिकेशन, यस, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। अब मुझे एक बात बताइए, बच्चा बेसिक गलती क्या करता है, उसने बुक ले लिया, अमेंडमेंट पढ़ लिया, जब अमेंडमेंट शीट आती है ना उसमें बहुत बार नोटिफिकेशन नहीं आते, पर सारे नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल हुए, नोटिफिकेशन
सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. सर मुझे ये कहाँ मिलेंगे? इंस्टीट्यूट एक साथ सारी चीजें निकालता है, कई बार अलग अलग निकालता है, तो इन सबको एक जगह लेके आना पड़ता है जो नोट्स में होता है. यस. नोटिफिकेशन के बाद एक और चीज जो आपको पढ़नी पड़ती है वो होता है सर्कुलर. क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? सर्कुलर. सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन. एक मिनट मुझे एक बात बताइए, वैसे दोस्त अपना जब डीपी चेंज करता है तो आपको क्या आता है? नोटिफिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. उसने फोटो बदला, तुरंत आपको क्या आया? नोटिफिकेशन. तो नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, चेंज इन रूल्स, चेंज इन एक्ट, व्हाटसोएवर. अब आप आया सर्कुलर. सर्कुलर क्या होता है? क्या बोर तरीके से पढ़ेंगे, आओ कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, ये बनाई मैंने एक कुछ तो. वेरी गुड, सही है. चलिए जिनको नहीं पता उनको समझाते हैं. हाँ ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने? और आप अपने दिल की बात कहेंगे, बिल्कुल हिचकाए हुए यार. हाँ क्या है ये, जल्दी जल्दी बोलते जाओ. पहला डस्टबिन, दूसरा ग्लास. ग्लास में कोल्ड ड्रिंक. अच्छा आप जनरली इतना सीधे बिहेव करती है. हाँ और आइस भी है क्या, कुछ दिख रहा है? हाँ आइस भी है. तो वो भी हो सकता है जो नहीं होना. मदिरा. अच्छी चीज, मदिरा हो सकता है. एक मिनट, आप सभी ने इसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, मतलब किसी ने अपनी इच्छा एक्सपीरियंस अपने अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट किया, बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता क्या, जिसने एक्ट बनाया वो एक्ट बनाने वाले जब उसे इंटरप्रेट करे ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है. आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है जो ऑफिसर मुंबई में बैठा है हैज अ डिफरेंट ओपिनियन जो ऑफिसर दिल्ली में बैठा है? जो ऑफिसर दिल्ली में बैठा है मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन जो कलकत्ता में बैठा है, पुणे में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, बैंगलोर में बैठा है, पॉसिबल है या नहीं है? अब सोचो अगर डिपार्टमेंट ही एक ही चीज के ऊपर अलग अलग ओपिनियन रखने लग जाए तो लोगों का तो डिपार्टमेंट से भी भरोसा उठ जाएगा. अरे हाँ, अरे एक ही आदमी मल्टीपल रखे तो भरोसा तो उठ ही जाएगा ना. अरे ओपिनियन, एक ही आदमी जब मल्टीपल ओपिनियन रखेगा तो भरोसा तो उठ ही जाएगा. अब ऐसे केस में सर्कुलर लाया जाता है. आप इसे कुछ स्टैंडर्ड के जैसे समझिए. सर्कुलर लाया जाता है क्लैरिटी के लिए कि भैया सरकार क्या सोच रही है इस पॉइंट को लेकर के, सरकार क्या सोच रही है इस पॉइंट को लेकर के. तो पॉइंट बड़ा क्लियर है, सर्कुलर लाया जाता है और क्लैरिफिकेशन दिया जाता है. तो अब मैं मेरे प्यारे बच्चे से पूछना चाहूंगा, बेटे जब तू पढ़ रहा है डीटी, क्या तुझे सिर्फ एक्ट पढ़ना है? क्या तुझे सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ना है? क्या तुझे सिर्फ सर्कुलर पढ़ना है? तुझे एक और चीज पढ़नी होती है, केस लॉ. अब मुझे एक बात बताओ, आप समझ रहे हो, एक साल का भी अगर आप पे फर्क आ जाता है तो इन सब चीजों में फर्क आ जाता है. आप सेक्शन तो नया पढ़ लोगे, ये बचे हुए तीन का क्या? और आपको पता है, आपको पता है मॉड्यूल खोल के दिखेगा, इसे जब आप पूरा पढ़ते हो तो इसे कहा जाता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. आप मॉड्यूल ओपन कीजिएगा, थ्योरी का क्वेश्चन है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में सिर्फ एक्ट नहीं आता, नोटिफिकेशन भी आता है, सर्कुलर भी आता है, केस लॉ भी आता है. अरे हाँ, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, लिखो ना. नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर में जाओ, लिखो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. पहले लिखो एक्ट, एक्ट के आगे लिखना इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961. दूसरा है नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय, बोलो बेटा, सीबीडीटी. नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय सीबीडीटी. सर्कुलर इज इश्यूड बाय सीबीडीटी. सर्कुलर इज इश्यूड बाय सीबीडीटी. केस लॉ डन बाय कोर्ट्स. तो ये पूरे इनकम टैक्स स्कोप में आता है, बराबर है? इसी के नीचे आप लोगों को फॉर द पर्पज ऑफ मे 23 एज वेल एज नवंबर 23, फॉर द पर्पज ऑफ जून 23 एज वेल एज डिसंबर 23, आप लोगों को जो एप्लीकेबल है वो क्या है बेटा? फाइनेंस एक्ट 2022. याद रखिए आप लोगों के लिए एप्लीकेबिलिटी में जो है ये है फाइनेंस एक्ट 2022. तो आपको क्या पढ़ना है, लिख के रखो, ये लिख के रखो, जानबूझ के लिख के रखो. तो आपके लिए ये, अच्छा
नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर अगर आप मई 23 दे रहे हैं तो कब तक के एप्लीकेबल है? नवंबर 22 तक के सारे नोटिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप नवंबर या दिसंबर 23 दे रहे हैं तो आपके लिए मई 23 तक के सब कुछ एप्लीकेबल है, जो भी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आ रहा है। इज दैट डन? हाँ जी, ये क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नोट्स एक बार देख लीजिए, यहां पे आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज दी है। नोटिफिकेशन इज, बोलो बेटा, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, इट इज इश्यूड बाय सीबीडीटी, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, ठीक है। सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट, किसके क्लैरिफिकेशन, आपके या उनके, उनके क्लैरिफिकेशन। ऑल सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, दीज आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी, ये उनके क्लैरिफिकेशन के लिए। अब मेरी बात सोच के देखिएगा, डिपार्टमेंट का जो क्लैरिफिकेशन है वो है, मेरा ओपिनियन डिपार्टमेंट से अलग हो सकता है ना, एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स पेयर मेरा ओपिनियन तो डिपार्टमेंट से अलग हो सकता है, मालिक आया। हाँ, जुडिशियल अपडेट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के। कुछ बातें मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं। पॉइंट नंबर वन, क्या इनकम टैक्स में सेक्शन लर्न करना जरूरी है? आंसर इज नो। पहला, ये फुटाइल एक्टिविटी है, बिल्कुल मत करना। इनकम टैक्स में सेक्शन लर्न करने की गलती मत करना। कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जिसको मैं बोलूंगा लर्न ही रखना है, उसको अपने को याद रखना है, बाकी सब याद नहीं रखना। दूसरा, क्या केस लॉ का नाम याद रखना है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट 2 और 3 जो इंटर लेवल पर मैं आपको बता दूंगा ये काम के है, आपने उतना पढ़ लेना, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल अलग का। चलिए, एनुअल अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं, एक्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं। टेक्निकली जो आप 22 में पढ़ रहे हैं, FA 22 में पढ़ रहे हैं, इसकी पहली एप्लीकेबिलिटी मई 23 में आएगी, क्या जरा समझ लेना। यस, देखिए मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। 1 फरवरी को बजट आएगा, अभी 2023 में भी आएगा, ठीक है, जरा समझिएगा। 1 फरवरी 2022 को बजट आया होगा, ये बजट एप्लीकेबल कब से होता है बोलो? 1/4/2022 से, 1/4/2022 से लेके 23 ये प्रीवियस ईयर में आपने जितना जो कुछ कमाया इस पे आप टेक्निकली टैक्स कब पे करते हो? असेसमेंट ईयर में 23-24। मेरा बच्चा क्या सीखा? मेरा बच्चा एक और सीखा, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर इज 22-23, असेसमेंट ईयर इज 23-24। लिखो ये पॉइंट स्कोप में, स्कोप में। नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। डन बेटा, प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 फरवरी 2022 को बजट आया, 1 फरवरी 2022 को बजट आया, ये बजट का इंप्लीमेंटेशन कब से हो जाएगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इस पीरियड में तो आपने इनकम कमाई, इस पे टैक्स आप 23-24 में पे करेंगे। याद करो, जब रिटर्न भरोगे इस ईयर का तब टैक्स पे करोगे, हाँ या हाँ? टेक्निकली जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ वो तो सीधा नेक्स्ट ईयर से ही हुआ, क्योंकि टैक्स आप कब पे कर रहे हो? नेक्स्ट ईयर। सो टीटी के अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब बताओ, जब एक्ट आया होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या वो एक्ट 1961 से एप्लीकेबल हो गया होगा या 1962 से एप्लीकेबल हुआ होगा? क्योंकि डीटी पूरा आने वाले साल के लैंग्वेज में लिखा है। करंट ईयर में तो आप इनकम कमाओगे, इस इनकम पे टैक्स अगले साल पे करोगे, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, एंड हेंस आपका जो फाइनेंस प्रीवियस ईयर 22-23 इस पे टैक्स 23-24 में पे करोगे, एंड दैट इज द लॉजिक कि आप फाइनेंस एक्ट 22 पढ़ रहे हो फॉर योर 23 अटेम्प्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा जी, सिंस इनकम टैक्स इज एनुअल एक्ट, तो मे के जो एप्लीकेबल है वो नवंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आपको वापस से उस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं। पर नवंबर के बाद जो मे आएगा उसमें वो बदल जाएगा, समझ में आई बात? नए फाइनेंस एक्ट में आ जाएंगे, तब तक तो अपन फाइनल में होंगे, है ना? हा ना, इस पर तो जोर से बोलो नालायको। इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली मिडनाइट से अप्लाई कर जाते हैं, कुछ GST रात 12 बजे से आया था,
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये एनुअल अमेंडमेंट की बात है। तो आप सभी के लिए जरा सोच करके बताइए, आप सबका प्रीवियस ईयर क्या हुआ बेटा 22-23 एंड असेसमेंट ईयर क्या हुआ 23-24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका एक्ट शुरू होता है, याद करो आपने कभी क्लास की होगी तो इसके बाद अपना बेसिक एक्ट शुरू होता है। बेसिक एक्ट के अंदर में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ाई जाती है वो होती है पर्सन का डेफिनेशन। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले आपका एक्ट चालू होता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर समझने से, राइट। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज earned, assessment year is the year in which tax is paid. General rule, income of previous year is taxable in assessment year. तो जरा देखिए, previous year is the year immediately preceding the assessment year. हर assessment year से पहले वाला year जो होता है ये क्या होता है बेटा? Previous year. और हर 1 अप्रैल से जो year चालू होगा उसे हम क्या कहेंगे? Assessment year. तो 1 अप्रैल से जो हमेशा चालू होता है वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। इस असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे सोच के बताइएगा, क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होना जरूरी है, हाँ या ना? क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होना जरूरी है? नहीं, प्रीवियस ईयर 12 से कम का भी हो सकता है। पर क्या असेसमेंट ईयर 12 का ही होना जरूरी है? हाँ, वो तो 1 अप्रैल से चालू होगा तो जाहिर सी बात है असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स, प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। सेक्शन 3 आपको बताता है प्रीवियस ईयर एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 आपको बताता है असेसमेंट ईयर। यस और नो, रजिस्टर में जाइए, थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। आप लोगों के लिए 22-23 असेसमेंट ईयर सेक्शन 29 is the year starting from 1st April every year. आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हाल फिलहाल में ये पॉइंट बोर लग रहा हो एंड ऐसा भी लग रहा हो अरे यार ये तो माता है, ये तो मालूम है, हम ये थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, हर चीज एक दिन में। मैं पहले दिन आकर के तुमको पीजीबीपी चालू कर देता ना तो भी तुम्हारा सर घूम जाता। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, आप इसको शायद यू नो पहली दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, मैं एक साल में इसको 9 बार पढ़ाता हूं तो मेरे को मालूम है इसको उठाना कहां से। ट्रस्ट द प्रोसेस, शांति रखो, सही टाइम और सही कॉन्टेंट ये आराम से मिलता है, पर उसके लिए वेट और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो इधर आओ बच्चा, मेरा बच्चा मुझे बता, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 हर साल अगर ये असेसमेंट ईयर है तो असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग वाला ईयर कौन सा हो जाएगा? बोल बेटा, प्रीवियस ईयर। मतलब 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर का रास्ता बन रहा है, असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर का रास्ता बन रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। इफ आई स्टार्ट माई बिजनेस ऑन 1st August 2022, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माई प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज माई असेसमेंट ईयर? यू टेल मी व्हाट इज माई प्रीवियस ईयर? 22-23 इज माई प्रीवियस ईयर, व्हाट इज माई असेसमेंट ईयर? 23-24, पक्का? पर ये क्या पूरा ईयर रहेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम, पक्का? यानी क्या मैं कह सकता हूं इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, डोंट यू थिंक सो? दिस इज एन एमसीक्यू। इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, और साथ ही साथ में तुरंत एग्जांपल लिखो, इसी के नीचे लिखो, ये जो आपने लिखा है ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर उसी के नीचे लिखो, इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट
इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम previous year starts from date of commencement. उसी के नीचे example लिखो, अगर आपका business commence 1/8/2022 को हुआ, previous year आपका 23/24 ही रहेगा, but you will count that previous year from 1/8. ऑब्वियसली उसके पहले बिजनेस ही नहीं था तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगे, है ना? डन बेटा. चलिए, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर भी ये भी है कि ऑन आर स्पेशल रिक्वेस्ट अभिषेक सर हैज अग्रीड टू टेक कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स दैट टू टोटली फ्री. सो अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग ये आपका डेली सुबेरे होगा, मेजर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे कल सुबेरे यू नो टाइम 7 या 7:30 में फिर एक बार चेक कर लूंगा, पर शायद 7 बजे से आपका 8:30 बजे तक के अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के मेजर टॉपिक्स रहेंगे. ये टोटली फ्री है और मेरे हिसाब से वो टाइम ऐसा है जब तुम बेड के अंदर में घुसे पड़े रहोगे, चुपचाप उठने का ना आने का, समझ आ रही बात? और मेरे ये लेक्चर के बाद आपका क्या है, लॉ, तो लॉ का फास्ट ट्रैक भी इसी के साथ अवेलेबल है, तो टेक्निकली पूरा ग्रुप वन हो जाएगा. हमने शेड्यूल कुछ इस तरीके से रखा है कि मॉर्निंग आपका अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का रिविजन हो जाएगा, बाद में आपको दिन भर का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो मिल जाता, दोपहर के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी अगेन जीरो हो जाती है क्योंकि खाना खाने के बाद वो है ना वो बुलाती रहती है, पर बुलाती है मगर है ना, इधर आने का इधर वापस जगने का, रात का फिर से प्रोडक्टिव टाइम आपके लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगा. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर डन. तो कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स कल से आपको मेरे एंड एकत्वम चैनल पे दोनों पे मिल जाएगा, एंड यू नो लॉ का फास्ट ट्रैक भी मेरे बाद ही है तो आप वो तुरंत कर सकते हो. दैट्स हाउ आपके प्रोडक्टिव टाइम को कंस्ट्रक्ट रखते हुए हमने फास्ट ट्रैक को ये करा हुआ है. और अकाउंट्स और कॉस्टिंग टोटली अवेलेबल है फ्री ऑन यूट्यूब, तो उसको साथ साथ में देखना. सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अगर उठ करके फेस टू फेस आ जाओगे तो जो चीज यूट्यूब पे नहीं होती वो यहां हो जाएगी. सबसे अच्छा फास्ट ट्रैक का बात ही यही है कि तुम यहां बैठे हो ना, तुम्हारा मूड हो नहीं हो तुमको यहां पे बैठना है. यही अगर तुम अभी ऑनलाइन बैठे हो या यूट्यूब पे बैठे हो तो कोई बच्चा क्या करेगा, आएगा 10 मिनट सुनेगा, अरे यार ये तो आता ही कहां देखना बाहर. ये है डिफरेंस फेस टू फेस और ऑनलाइन का, ये बात याद रखना, ठीक है? चलो आओ, ये क्लियर हो गया. बिजनेस स्टार्ट होगा तो प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट. एमसीक्यू बुक मेरा टोटली पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? इसमें आप देखोगे इसके ऊपर एमसीक्यू दिया हुआ है, वहां पे डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऐसे दो वर्ड है. एक्ट में क्लियर लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ना कि डेट ऑफ स्टार्टिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है बिजनेस स्टार्ट पहले हो गया और कमेंसमेंट बाद में हुआ, बिजनेस एक्टिविटी कमेंस बाद में, तो हम कमेंसमेंट से काउंट करते हैं ना कि डेट ऑफ स्टार्टिंग से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसके बाद बना एक जनरल रूल. क्या बना? जनरल रूल. जनरल रूल था, ये थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 में. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन, बोलो ना बेटा, असेसमेंट ईयर. सो एक जनरल रूल बना, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. Yes. अच्छा जी, अब जितने बच्चे बैठे हैं, जितना प्रीवियस ईयर में हम कमाएंगे इस पे जितना भी टैक्स आएगा, ये टैक्स हम कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में. ये टैक्स हम कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर. हाय, जरा रुकते हैं थोड़ा सा इधर, इस लाइन से थोड़ा सा मैं डाइवर्जन ले रहा हूं, पेन नीचे रखना, लिखना कुछ नहीं है. हम बात कर रहे हैं इनकम की. चलिए आइए, मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूं आपको. इनकम की बात हम कर रहे हैं, हर रिसीट इनकम होती है या हर रिसीट इनकम नहीं होती? चलिए सोच के बताइएगा जल्दी से. मैंने ना ड्रग्स बेचा, पैसे आए, क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है?
तो एक बात समझ के चलना पड़ेगा, लीगल और इलीगल दोनों इनकम इनकम है, हाँ ठीक है, पर हर तरीके की रिसीट क्या इनकम हो सकती है? चलिए बात समझिए, है ना, मान लीजिए मेरे चाचा ससुर जी आए, मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने मेरे को 100 रुपए का नोट पकड़ा है, क्या ये मेरी इनकम है? क्यों? अच्छा, हाउ मेनी पीपल से दिस इज एन इनकम? वो होते नहीं अपन अपने बचपन से रिलेटिव रिलेटिव से क्या एक्सपेक्ट करते हुए आएंगे, लिफाफा देंगे, बचपन से हमारा एक्सपेक्टेशन। तो मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया, उन्होंने 100 रुपए पकड़ा दिया। अब ये 100 रुपए मेरी इनकम है क्या? देखो ईमानदारी से इस पे दिमाग मत लगाना वैल्यू कितनी है, दिमाग इस पे लगाना क्या ये इनकम है क्या, जल्दी बोलो क्या ये मेरी इनकम है, हाँ या ना? जितने बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कोई भी शांत रह गया तुम्हें अटेम्प्ट की कसम। हाँ, क्या ये मेरी इनकम है? हाउ मेनी पीपल से यस? हाथ उठो, हाथ उठो, हाथ उठो, यूज करो हाथ का सही। हाँ, ये इनकम है। बाकी किसको लगता है इनकम नहीं है? बाकी सबको लग रहा है इनकम नहीं है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करो, तो इनकम नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आपने गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? व्हाई कैन नॉट आई कंसीडर दिस एज गिफ्ट? सर वो गिफ्ट तो 50,000 के ऊपर टैक्सेबल होता है ना? मैंने आपसे ये नहीं पूछा टैक्सेबल है या नहीं, मैंने आपसे पूछा इनकम है क्या, मैंने आपसे ये नहीं पूछा टैक्सेबल है या नहीं, मैं आपसे पूछा इनकम है क्या, इज इट एन इनकम, इज इट एन इनकम? आपको जब भी इनकम मिले सबसे पहले आपको इसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, कितने पार्ट में बोलो जल्दी से, दो। एक हुआ कैपिटल रिसीट, दूसरा हुआ रेवेन्यू रिसीट। चलो ध्यान से सुना, लिखना कुछ मत, सिर्फ सुनते रहना पहले, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको लिखाना नहीं समझाना है, ठीक है, लिखा हुआ ऑलरेडी सब है बुक में, सिर्फ समझो पहले। तो रिसीट दो प्रकार की होती है, जब भी इनकम मीन्स अ रिसीट। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती, इनकम मीन्स रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। अब समझना, रिसीट दो प्रकार की, जब भी पैसा मिले रिसीट दो प्रकार की, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट के चार एग्जांपल है। पहला लोन, आपने लोन लिया, लोन को इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट बोला गया है, लोन को इनकम टैक्स में क्या बोला गया बेटा, कैपिटल रिसीट बोला गया, कैपिटल रिसीट। पैसा तो आया, पर इज लोन माई इनकम? कभी ना कभी है, मुझे वापस तो देना ही होगा ना? अरे हाँ, मुझे वापस तो देना ही होगा, वो प्यार थोड़ी ना जो रख लिया। लोन मेरी इनकम नहीं है। इसके अलावा कैपिटल, बिजनेस में जो कैपिटल डाला जाता है, आपको नहीं लगता बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? जेठालाल एंड गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन एंड द सेम और डिफरेंट एंटिटी? डिफरेंट एंटिटी, मे बी अ डिफरेंट एंटिटी। सो कैपिटल जो आप बिजनेस में डाल रहे हैं, ये बिजनेस के लिए रिसीट तो है, पर लिखते तो हम लाइबिलिटी साइड में ही है ना। तीसरा लाइबिलिटी, इसके अलावा और भी कोई लाइबिलिटी, मे बी डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। मैंने मेरे दोस्त से पैसे लिया, इंटेंशन क्लियर है, दूंगा कभी नहीं वापस, पैसे आए, क्या ये मेरी इनकम है? इट्स अ रिसीट, पर हर रिसीट इट्स अ रिसीट। तो याद रखिए, जो पैसा आपके पास आ रहा है, अगर वो लोन का है या वो कैपिटल का है या वो लाइबिलिटी है किसी प्रकार में, तो आप इसे कभी भी इनकम मानेंगे नहीं। इसके अलावा एल्स, ऑल रिसीट्स, इसके अलावा सारी रिसीट्स कौन सी है? रेवेन्यू। इसको छोड़ करके जो कैपिटल रिसीट में फॉल नहीं हो रही, वो बाय डिफॉल्ट में कौन सी रिसीट में आ जाती? रेवेन्यू। चलिए कुछ फटाफट क्विक एग्जांपल देता हूं। मैंने बेचा और पैसे कमाए, 150 रुपए की शेंगचने की पूड़ी बेचा, बराबर है? बताइए क्या ये मेरी इनकम है? सोच के देखते हैं पहले। पहला हमारा माइंड में क्लियर कर दो, लीगल इलीगल से हमें कोई लेन देन नहीं है, हर इनकम इनकम है, बराबर है? गांधी जी का हर नोट हमें प्यारा है, गांधी जी का हर नोट हमें प्यारा है, तो इनकम इनकम है, इसको कैसे आया इररिलेवेंट है। अब समझते हैं, मैंने बेचा और पैसे कमाया, पैसे कमाया, क्या ये लोन है? क्या ये कैपिटल है? क्या ये लाइबिलिटी है? कौन सी रिसीट बन गई? ठीक है, चाचा जी को प्रणाम किया, 100 का नोट मिला, इज इट अ लोन? इज इट अ कैपिटल? इज इट अ लाइबिलिटी? कौन सी रिसीट बन गई? मैंने आपसे ये नहीं पूछा ये टैक्सेबल है या नहीं है। अगर मैं बात करूंगा टैक्सेबिलिटी की, सेक्शन 56 कहता है 50,000 से कम है आपका कैश रिसीव, इसलिए वो क्या है? एग्जम। बट इनकम तो है या नहीं है? इनकम है, यस। ऑल रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, दीज आर नॉट टैक्सेबल।
कैपिटल रिसीट्स कभी भी टैक्स होती नहीं, कैपिटल रिसीट्स टैक्स नहीं की जाती। आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा, आपके कैश बैंक में पैसा दिखेगा, लेकिन कभी भी इसे टैक्स किया जाता नहीं। लेकिन रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल, कैसा बेटा? ऑलवेज टैक्सेबल, अनलेस अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स, हर रिसीट रेवेन्यू रिसीट आती है। एक दिन मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक से मेरे को 2000 का नोट मिला, बताओ क्या ये टैक्सेबल है? आपस से अपने मन से सवाल पूछे, अपने मन की गहराइयों में जाइए, वहां जहां आपने उसकी तस्वीर रखी है, फिर से पूछिए क्या ये लोन है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या ये कैपिटल है? क्या ये लाइबिलिटी है? कौन सी रिसीट बन गई? ठीक है, क्या ये पर्सनल इफेक्ट भी है? इसमें एक और चीज ऐड करो, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब वो चीज जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल इफेक्ट। वो भी कौन सी रिसीट बनती है? कैपिटल रिसीट। पूछो ना कैसे? आपने अपने घर का सोफा बेचा ओएलएक्स पे, कहां बेचा? ओएलएक्स पे आपने अपने घर का सोफा बेचा, क्या पैसे आए? अब मुझे बताइए क्या ये टैक्सेबल है? क्या इस असेट को आपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया? क्या इस असेट को आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया? इससे आने वाला पैसा टैक्सेबल नहीं है। आपने अपने घर का टीवी बेचा, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? आपने घड़ी बेचा, जूते बेचे, बट पर्सनल इफेक्ट को भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं। पर्सनल इफेक्ट को भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम कैपिटल असेट में पढ़ते हैं। कैपिटल असेट एक्सक्लूड जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्या तुझे याद है? इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, पर इन टोटो इन जनरल ये चार चीजें आती नहीं। तो मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक 2000 का नोट मिला, क्या ये मेरी इनकम है? इनकम है, हाँ इनकम है। दिखाओगे नहीं दिखाओगे अलग विषय है, मेरा सवाल ये है क्या ये इनकम है? मैंने जुआ खेला, ड्रीम इलेवन, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। वो नहीं हुआ ऐड देखा आपने? अचानक से रात में आप मोबाइल देख रहे हो, कोई यूट्यूब का वीडियो चालू किया आपने, रात में गेम खेला कौन सा? और हम रात में क्यों खेल रहे हैं गेम? रात में गेम खेला और 2 बजे कोई दिक्कत आ गई, कहना क्या चाह रहे हो? यहां पॉज ले लेता है वो आदमी, यहाँ वो आदमी पॉज ले लेता है। रात में गेम खेला तो आपने जंगली रम्मी खेला, ठीक है? आपने जंगली रम्मी खेला, रात में गेम खेला और 2 बजे कोई दिक्कत आ गई, फिर आदमी ने क्या करना? वो बोलते कस्टमर केयर पे कॉल करो। नहीं, जिस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, स्पेशली लड़कों को, कस्टमर केयर उसका सोल्यूशन दे नहीं सकता, बराबर है नहीं? उनका चार्जिंग खत्म हो जाता है फोन का, कस्टमर केयर क्या सोल्यूशन देगा? बराबर है? Now, मेरे सवाल को वापस सुनिए। मैंने सर यू नो मैंने चोरी की, पैसा आया, बोलो जल्दी से, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, फटाफट क्लास हुआ, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, पक्की बात है। मैंने यू नो जॉब किया, सैलरी आई, रेवेन्यू रिसीट। बिजनेस किया, पैसे आए, क्लियर है? मैंने मेरे दोस्त से लोन लिया, ये बात क्लियर है? तो हर रिसीट इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। कुछ रिसीट कैसी होती है? कैपिटल। कुछ रिसीट कैसी होती है? रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट हमेशा टैक्सेबल होती नहीं, यस। रेवेन्यू रिसीट क्या टैक्सेबल होती है? यस, अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल। ये क्लियर है? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा और दूर जाएंगे। डिडक्शन, दो नए वर्ड मिले मालूम आपको मेरे को, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। और आप तो समझदार दिखते हैं शक्ल से, कॉन्वेंट पढ़े हुए लगते हैं, मेरे को बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं तो एवरेज बच्चों पहली बार, हाँ बच्चे, वेरी गुड, पार्शियल एग्जम्पशन, दिस इज कंप्लीट एग्जम्पशन, ठीक है? पार्शियल एग्जम्पशन और कंप्लीट एग्जम्पशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पार्शियल है और ये टोटल है, ठीक है? ऐसी इनकम जो सारी एग्जम्प्ट है, ये कौन से सेक्शन में लिखी है? सेक्शन 10, याद है ना, एक चैप्टर है आपको पूरा, एग्जम्प्शन अंडर सेक्शन 10। एक और जगह लिखी है सेक्शन 54 की सीरीज, याद है? कैपिटल गेन में से 54 की सीरीज में आप डिडक्शन नहीं,
एग्जम्पशन माइनस कर रहे हो. तो टेक्निकली एग्जम्पशन दो जगह लिखा है, सेक्शन 10 की सीरीज में और 54 की सीरीज में. आहो, डिडक्शन आपको दो तरह से मिलते हैं. डिडक्शन आपको कितने टाइप से मिलते हैं? दो. सबसे पहले मिलते हैं हेडवाइज. कैसे मिलते हैं बेटा? हेडवाइज. याद करके देखो, सैलरी में सेक्शन 16, एचपी में 24, पीजीबीपी में 30 से 37. याद आ रहा है क्या? पहला मिलता है हेडवाइज और दूसरा मिलता है, आपको याद आ रहा है, चैप्टर 6A. किससे मिलता है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम. याद है तुम्हें? किससे मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम. बेसिक वापस खुलते जा रहे क्या मालिक? ठीक है, आपको लग रहा था वेस्ट है, टेंशन मत लो. मैंने क्या बोला? किधर से एंटर करके किधर निकलेंगे समझ नहीं आएगा, पर कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे रिवाइज करेंगे. ठीक है, सो दो तरह से मिलते हैं. ओ हो जनाब, मेरे को तो और दो वर्ड मिल गए, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम. नहीं, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि आपको 20 मार्क के क्वेश्चन टोटल इनकम पे आते हैं. 20 मार्क के क्वेश्चन किधर आते हैं? टोटल इनकम. तो पहले आज ही क्लियर कर दे, जाना कहां है उसके पहले. रुको, कैन यू प्लीज टेल मी हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? ओ कितने, जल्दी बताइए. पहला सैलरी, एचपी, पबजी, कैप गेम्स, आईएफओएस. ठीक है, सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हैं? अनलिमिटेड. क्लासिफिकेशन 5 हेड. 5 हेड को अगर हमने मिलाया तो क्या बनता है बोलो? हाँ, यस, ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ. याद आ रहा है क्या? पांचों हेड की इनकम मिलाओगे, फिर इसमें क्लबिंग करोगे, सेट ऑफ करोगे, तो क्या बनेगी? ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन. तो क्या बनेगा? टोटल इनकम. क्या टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं? क्या टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं? हाँ या ना? कहां एंटर किए थे? एक वर्ड मिला था इनकम. इनकम से घुसे टाइप ऑफ रिसीट में. टाइप ऑफ रिसीट से एक नया वर्ड मिला डिडक्शन एग्जम्पशन. डिडक्शन एग्जम्पशन से घुसे कहां? घुसे ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम. तो आपको नहीं लगता? देखिए, जब हम टोटल इनकम के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, जब हम टोटल इनकम के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, जब हम मतलब हमें सैलरी प्लस एचपी प्लस पीजीबीपी प्लस कैप गेन्स प्लस आईएफओएस प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, तो जाके क्या बनेगा? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, तो क्या बनेगा? टोटल इनकम. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल इनकम पे टैक्स निकालना. तो इस पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1, आपसे कंप्यूटेशन करवाना. कंप्यूटेशन किसी एक हेड की या मल्टीपल हेड की, एग्जामिनर जो चाहे वो, एक हेड या मल्टीपल हेड. इसके बाद आपसे क्लबिंग सेट ऑफ करवाना, टोटल इनकम निकलवाना और टोटल इनकम पे टैक्स निकलवाना. जरा रुकिए, ये टैक्स में से कुछ टैक्स आप ऑलरेडी पे कर देते हो इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्स, इन द नेम ऑफ टीडीएस टीसीएस, इन द नेम ऑफ एएमटी क्रेडिट. याद आ रहा है क्या प्रभु? और यहां आपका आता है नेट टैक्स पेबल. यहां आता आपका नेट टैक्स पेएबल. सो एक्चुअली द एडवांस टैक्स एंड टीडीएस टीसीएस यू पे और द एएमटी यू पे इज एक्चुअली अवेलेबल एज अ क्रेडिट, जो आप इससे क्या कर सकते हो? माइनस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव 60 मार्क 100 मार्क एज द केस में भी का पूरा ऑब्जेक्टिव है इतना एक्टिविटी तक के लेके आना. लेकिन इन सब एक्टिविटी के लाने के लिए एक एक चैप्टर तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना ब्रो, हैशटैग ब्रो, ये तो पढ़ना पड़ेगा. चल अब पहले लिखना शुरू कर. रुक, कहां से शुरू हुआ था? जनरल रूल. यहां तक क्या आपने लिखा है क्या मालिक? यस, जनरल रूल के नीचे करीब 6 लाइन खाली छोड़ दो. जनरल रूल के नीचे गिन करके 6 लाइन खाली छोड़ दो. हैंडराइटिंग बढ़ी है तो 7 छोड़ देना. उसके बाद सबसे पहले लिखो इनकम. आराम से लिखो, लिखने का काम पढ़ने के बाद.
इनकम, पांच हेड बनाओ फटाफट। दो तरह की रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। आपको अगर ऐसा हल्का सा भी लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ रहे अपन, ये तो बहुत बेसिक हो गया, डोंट वरी, ये सब आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर वन में लिखा है। पूरा फास्ट ट्रैक मॉड्यूल के हिसाब से चला रहे अपन, मॉड्यूल का चैप्टर नंबर वन खोलना है, सब है उसमें। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट के नीचे लिखो लोन, कैपिटल, लाइबिलिटी और पर्सनल इफेक्ट। लोन, कैपिटल, लाइबिलिटी, पर्सनल इफेक्ट। नॉट टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसीट, ऑल रिसीट आर रेवेन्यू रिसीट, else all receipt are revenue receipt, always taxable, always taxable unless deduction exemption is available, unless deduction exemption is available। डन, डिडक्शन एग्जम्पशन। डिडक्शन इज पार्शियल एग्जम्पशन, एग्जम्पशन इज कंप्लीट एग्जम्पशन। यस, डिडक्शन दो प्रकार के, हेडवाइज चैप्टर सिक्स से एग्जम्पशन में 10N 54 सीरीज। आई होप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो ये लिख रहे हो उसमें डबल रिवाइज हो रहा है। आज घर पे जाना है, चैप्टर नंबर वन उठाना है, पूरा पढ़ देना है, ठीक है? पढ़ देने का मतलब इनफैक्ट जो आपके टैक्स के प्रोविजन है, जो टैक्स रेट है, स्लैब रेट है, वो भी आज के आज ही घर पे जाके पढ़ोगे, क्योंकि कल जब सॉल्व करते रहोगे ये तुमको बार बार रिवाइज होना चाहिए। ऐसा समझो क्लास तुमको रिवीजन में मारना है, एंड आई एम श्योर घर पे जाकर के इसको रिवाइज करने में हार्डली तुमको आधा घंटा लगेगा, इसको और आगे का पढ़ने में भी हार्डली हाफ आवर लगेगा। ये तो फटाफट क्विक रिवाइज हो जाएगा, हार्डली आधे घंटे में तुम्हारा सब कुछ खत्म है। चलो जी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, डन। इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स आफ्टर क्लबिंग इन सेट ऑफ इज जीटीआई। जीटीआई माइनस डिडक्शन इज टीआई। डन,
यहां तक क्या गया मालिक? चलिए, हमने 7 लाइन खाली छोड़ी थी, वो किसी रीजन से छोड़ी थी। वापस आओ, जनरल रूल क्या था हमारा? शुरुआत कहां से की थी जरा याद करो। शुरुआत हमने की थी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर से, याद आ रहेगा तुमको? मालिक मैं स्पीड में तो नहीं जा रहा, स्पीड ओके चलो। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से, प्रीवियस ईयर मतलब द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। जनरल रूल, पिछले साल में जो आपने इनकम कमाई आप असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स भरते हैं। पर क्या ये हर केस में होता है? आंसर इज नो। देर आर 5 मेजर एक्सेप्शन टू दिस, देर आर 5 मेजर एक्सेप्शन जहां टैक्स आप उसी प्रीवियस ईयर में पे करते हैं जिस ईयर में आपने इनकम कमाई। आप टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में पे करते हैं जिस ईयर में आपने इनकम कमाई। अब आप ये पूछेंगे कि सर वो 5 एक्सेप्शन कौन से हैं? देर आर 5 एक्सेप्शन। पहला, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी। जो एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है, इंडिया आती है और इंडिया से गुड्स और पीपल लेकर के जाती है। आप सोच करके देखिए, क्या यह जरूरी है वो नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी हर साल इंडिया में आएगी? नहीं। क्या यह जरूरी है हर साल वो इंडिया में टैक्स देगी? नहीं। तो ऐसी जो भी शिपिंग कंपनीज होती है, कस्टम लॉ के हिसाब से भी उन्हें इंडियन पोर्ट डिपार्ट करने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। क्या लेना होता है बोलो जल्दी से? इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो एनआर शिपिंग कंपनी जिस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आई, यहां से पैसेंजर और गुड्स लिए, फ्री में तो लेगी नहीं? हेलो, फ्री में तो यहां से जैसे उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया, तुरंत उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट किया जाता है और तुरंत उसको पे करके आगे बढ़ना होता है। सो आपको नहीं लगता टैक्स इज कलेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? ये तो एक्सेप्शन हुआ, जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। दूसरा, पर्सन लिविंग इन इंडिया विथ नो इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया बैक। जितने भी लोग आउट ऑफ इंडिया के लिए परमानेंट वीजा अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? परमानेंट वीजा। मतलब वो बाहर के देश में जाकर के अपना काम करेंगे। वैसे तो मेरा भारत महान, सबसे बेस्ट जगह यही है धरती पर रहने के लायक, बट फिर भी कुछ लोग जो बाहर जाते हैं अपने अपने अलग अलग रीजंस के लिए, अगर ये परमानेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर ये वीजा परमानेंट वीजा है। तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स क्लियरेंस जब तक के ना मिल जाए तब तक के आप जा नहीं सकते, और इनकम टैक्स तभी क्लियरेंस मिलेगा तब तक आप वहां तक की इनकम पे टैक्स पे कर दे। सो आपको उसी समय टैक्स पे करना पड़ा इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। थर्ड, एओपी बीओआई विच इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम ईयर इटसेल्फ। एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब जैसे देखिए, कई सारे शोज होते हैं, yes, जैसे आप लोगों का कोई रॉकस्टार आया, या वो गोवा में होता है ना, या पुणे में होता है सनबर्न फेस्टिवल। अब सनबर्न फेस्टिवल में देखिए क्या हुआ, कुछ लोग आए एसोसिएशन में, इन्होंने स्टार्स को बुलाया, इन स्टार्स के लिए इवेंट रखवाया, इन स्टार्स को फ्री में देखने को देते हैं, इनकी टिकट लगती है। जैसे रिसेंटली 2BHK एक वन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इन पुणे ने क्या किया, अरिजीत सिंह को कॉल किया। अब अरिजीत सिंह सर को उन्होंने पेमेंट किया होगा, इस अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट और इवेंट के लिए क्या होगा, उन्होंने टिकट बांटा होगा। हार्डली 5 दिन का इवेंट, 5 दिन में सारे टिकट सोल्ड आउट हुए, पैसा कलेक्ट हो गया, अरिजीत सिंह सर को चला गया, इवेंट वालों को चला गया, मेजर एसोसिएशन वाले ने जिसने प्रोग्राम किया था उसने अपना प्रॉफिट बना के निकल गया। इज इट एन एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन? आपको लगता है अगले साल भी ऐसा होगा? होगा, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे केसेस में मालिक क्या किया जाता है, ऐसे एसोसिएशंस को उसी साल क्या करना पड़ता है, अपना टैक्स देना पड़ता है। ऐसे एसोसिएशंस को सेपरेट असेसमेंट होती है। सर लेकिन इनका असेसमेंट कैसे होता है, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट होते होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, फाइनल में आपको एक टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, वहां समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है इन्हें उसी साल में अपना टैक्स पे करना पड़ता है। चौथा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार जिनके घर पर रेड पड़ जाती है, राइट, इनके घर पर अगर बहुत कुछ निकल गया, मान लो विजय माल्या, ठीक है, अब अपना तो गरीब आदमी क्या ही निकलेगा, यस। अब मान लो अगर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसा कोई व्यक्ति है जिनके घर पर रेड पड़ी और रेड में बहुत कुछ निकल गया, आपको क्या लगता है इंडिया के जिस हिसाब से लॉ है और यहां का जिस तरह से मीडिया है, बराबर है, आपको क्या लगता है वो यहां रुकने की इच्छा रखेगा? और जिसके पास इतना पैसा है उसका मल्टीपल कंट्री में स्टेक्स भी होगा, वो तुरंत यहां से भागने की कोशिश करेगा, और भागेगा कैसे, सब कुछ यहां तुरंत बेचेगा और निकल जाएगा।
इतने तो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली उस आदमी के होने चाहिए, वो तुरंत प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा और बेच के निकल जाएगा। अगर इनकम टैक्स के ध्यान में ये कभी भी आ गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है दैट हु इज लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, वो टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी को क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, वो उसी साल उससे टैक्स भरवा सकते हैं। हालांकि आज तक इनकम टैक्स ने इतनी फुर्ती कभी नहीं दिखाई, समझ नहीं बात, इनकम टैक्स नहीं, पुलिस वालों ने भी इतनी फुर्ती तब तक नहीं दिखाई, बहुत लोगों को पकड़ भी लिया और बहुत लोग चले भी गए, पर ये एक पावर है कि उसी साल आप क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए एंड लास्ट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो रहा है, अगर बिजनेस क्या हो रहा है बेटा, बंद हो रहा है, आपको लगता है अगले साल वो आदमी उसका कंप्लायंस करेगा? नहीं। तो अगर बिजनेस क्लोज करना है, जब आप उसका पैन सरेंडर करते रहते हैं, पैन सरेंडर करने से पहले आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। सर हम पैन ही सरेंडर नहीं करेंगे, आपने पैन सरेंडर नहीं किया, जाहिर सी बात है आप उसका रिटर्न भी नहीं भरोगे, उसकी पेनल्टी भी तो लगेगी फिर। इसीलिए बिजनेस बंद करते तुरंत क्या कर दिया जाता है, पैन सरेंडर, और पैन सरेंडर करते ही उसी टाइम पे उसका क्या लेना जरूरी है, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पांच केसेस, ये क्वेश्चन करीब 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा है। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसी के केस में क्या इसे ऐसा भी बोला जा सकता है प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर? इन पांच केसेस के लिए प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर ऐसा भी तो बोला जा सकता है, हाँ या ना? बराबर है कि जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई उसी असेसमेंट ईयर मान के ही उस पर क्या टैक्स कर दो, पे कर दो, टैक्स क्या कर दो आप, पे। चलिए अब इसको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी, आपने अगर कभी मेरा क्लास किया होगा आपको ऑलरेडी पता होगा, रिवाइज कर लेना, नहीं किया होगा तो जरा सुनना, इसको स्टोरी में याद रखा जा सकता है, ठीक है? नाम बदल देते, कैरेक्टर बदल देते, थोड़ा फ्रेशनेस लगेगा। भाई तेरा नाम क्या है? सोहम। तो एक दिन सोहम क्या कर रहा था, अपने गणपति डांस कर रहा था मुंबई बीच पे। मुंबई बीच पे क्या कर रहा था बोलो जल्दी से, गणपति डांस कर रहा था, गणपति डांस। इतने में कौन आई, शिप। इतने में कौन आई, शिप आई। शिप से उतरी एक सुंदर कन्या, शिप से कौन उतरी, सुंदर कन्या, ऐसे इधर उधर देख रही थी, अचानक उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत आदमी पे पड़ी। खूबसूरत आदमी का नाम क्या है, सोहम। सोहम के पास उसने कहा, ओ सोहम कितने हैंडसम, वाह, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। सोहम अपना गांव का आदमी, हाँ चलो ना, किधर चलना है। लड़की कहती, नहीं तुम्हें कुछ काम है पहले वो निपटा लो, नहीं क्या मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सोहम कहता, ठीक है मैं दो काम करके आता हूं, अपना सारा सामान बेच के आता हूं, अपनी दुकान बंद करके आता हूं। सोहम क्या बोलता है, मैं कितने काम करता हूं, दो, अपना सारा सामान, अपनी दुकान। सोहम सब फटाफट करके आ गया, उसको तो जल्दी थी। जैसे ही वापस आया, लड़की ने इसे दो वादे मांगे, कितने, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के और इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा कभी नहीं आओगे, बराबर। चलिए स्टोरी को रिवाइज करते हैं। सोहम क्या कर रहा था, गणपति डांस। गणपति साल भर रहते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, AOPBOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इतने में कौन आई थी, अरे शिप आई थी। अरे कन्या में पड़े हुए लोगों, भूखी आत्माओं, हद पार सिंगल लोगों, अखंड सिंगल, शिप आई। फोकस किस पे करोगे, शिप कन्या पे, हाइट है, कन्या भी कन्या पे फोकस कर रही है। शिप आई, कौन है, शिप से सुंदर कन्या उतरी। तुमको फोकस शिप पे करना है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, कहां पे करना है, शिप पे फोकस करना है। तो अखंड सिंगल लोगो, कौन है बेटा, हाँ तो सबसे पहले, हाँ क्या हुआ था, ये अपना सोहम क्या कर रहा था बेटा, गणपति डांस। इतने में कौन आई, हाँ शिप आई। शिप से कौन उतरी, सुंदर कन्या ने क्या कहा, मैं इसे क्या बनाऊंगी, रॉक स्टार, बराबर है। ये सिर्फ स्टोरी बनाने के लिए था। अपना सोहम बोलता, मैं दो काम करके था, अपना सारा सामान, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और अपनी दुकान, क्लोजर ऑफ बिजनेस। जैसे ही वापस आया, लड़की ने कहा, तुम मुझे छोड़ के वेस्ट, दूसरा इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, याद रखा जा सकता है। छोटी सी स्टोरी, चलिए रिकॉल करते हैं। सोहम क्या कर रहा था, गणपति से क्या याद आएगा, AOPBOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर कौन आई, हाँ शिप, शिप आए, कौन आई, शिप से कौन उतरी, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस।
लड़की कहती है मैं तुझे क्या बनाऊंगी, असल में तो पता ही है ना क्या बनाने वाली है। हाँ, अरे रॉकस्टार ही बनाएगी वो। हाँ, रॉकस्टार बनाने है। लड़का बोलता है मैं दो काम करके दू, अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, चौथा क्लोजर ऑफ बिजनेस, पर्सन लीविंग इंडिया, गॉट द पॉइंट। पांच पॉइंट एक बार उल्टा रिवाइज करें, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर है मालिक? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे, टैक्स किसको पे करना है? पर्सन। टैक्स किसको पे करना है? पर्सन। इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जरा से, पर्सन सात तरीके के थे, जल्दी बोलो। पहला इंडिविजुअल, एक मिनट रिवाइज करो फटाफट। इंडिविजुअल मतलब ओनली नेचुरल पर्सन, मेल चलेगा, फीमेल चलेगा, बाकी सब इंक्लूडेड है? मेल फीमेल बाकी सब इंक्लूडेड है? यस। तो सब की बात कर रहे हैं हम, मेल फीमेल इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, पांचवा एओपी बीओआई, छठवा लोकल अथॉरिटी, सातवा एजबी। सात अजूबे इस दुनिया में, सात पर्सन इस दुनिया में। वापस रिपीट करो, पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा फर्म। फर्म इंक्लूड्स, फर्म इंक्लूड्स, अरे फर्म इंक्लूड्स, फर्म इंक्लूड एलएलपी एक्सेप्ट फॉर 44AD, 44AD है पूरे इनकम टैक्स में। कैसा बेटा? पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पे भी फर्म लिखते हो वहां वहां पे एलएलपी आता है। सिर्फ दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पे फर्म में एलएलपी इंक्लूड, पहला है 44AD, 44ADA। ये लाइन अभी हम सिर्फ लिख के रख रहे हैं इस चैप्टर में, हम कहीं इसको रिकॉल करेंगे, कहीं इसको पीजीबीपी में रिकॉल करेंगे। रजिस्टर में जाइए, पर्सन लिखिए। मैं इनकम टैक्स से चैप्टर नंबर वन में सिर्फ उतना थ्योरी ले रहा हूं जितना काम का है, मेरा बात समझना। पर्सन का डेफिनेशन लिखो, सेक्शन टू सब सेक्शन 31, सेक्शन टू सब सेक्शन 31, उसके अंदर में पहला लिखो इंडिविजुअल, पहला लिखो इंडिविजुअल, दूसरा लिखो बोलो एचयूएफ, तीसरा फर्म, फर्म क्या के लिखो, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एक्सेप्ट फॉर 44AD, 44ADA, डन। फर्म के बाद कंपनी, कंपनी में लिखो डोमेस्टिक ऑब्लिक फॉरेन, फोर्थ कंपनी, कंपनी में लिखो डोमेस्टिक ऑब्लिक फॉरेन, हाँ एओपी बीओआई, नेक्स्ट एओपी बीओआई, नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट एजेपी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्लियर है? वेट ए मोमेंट, वेट ए मोमेंट। अगर आप देखेंगे रेगुलर बैच जब आपकी होती है, इन हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, एओपी बीओआई में डिफरेंस क्या है, फर्म में और एलएलपी में डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में डिफरेंस क्या है। फास्ट ट्रैक में अज्यूम्ड होता है कि आपको ये पता है, और अब तक के आपको एक बार सिलेबस पता होता है तो आपको क्लैरिटी होती है कि इनमें पढ़ने लायक है सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। पर जब आप नए कौले कौले आते हैं फाउंडेशन से, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपको ये समझाना जरूरी होता है। तो इस पर इससे ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब पूरे इनकम टैक्स में पर्सन के जगह एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड का नाम है कैसे सी असेसी, ठीक है। यह डेफिनेशन थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यह डेफिनेशन थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप
भारतवर्ष के मैक्सिमम टेस्ट सीरीज जब लिखोगे, इनमें जो चैप्टर नंबर वन का टेस्ट सीरीज लिया जाता है उनमें थ्योरी के नाम पे एसएससी का डेफिनेशन सबसे पहले डाला जाता है, क्योंकि ये डेफिनेशन देखो मैक्सिमम चैप्टर नंबर वन में जो थ्योरी में आपको पूछ सकते वो है पर्सन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इसके एक्सेप्शन, या दूसरा आपको जो चीज थ्योरी में पूछ सकते वो है एसएससी। लॉजिकली इसके अलावा चैप्टर नंबर वन में थ्योरी के नाम पर और कुछ है ही नहीं, चैप्टर नंबर वन में थ्योरी के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो लॉजिकली अगर पढ़ना है तो तुमको क्या पढ़ना है, एसएससी। कैसे सी? सेक्शन 2/7, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 आपसे बात करता है एसएससी। पूरे इनकम टैक्स में कई जगह पे पर्सन वर्ड यूज है, कई जगह पे एसएससी। सर एसएससी का डेफिनेशन क्या है? एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स लिखते जाना, और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। एवरी पर्सन, चलिए एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से हां या ना में जवाब दीजिए। एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी। एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मान लीजिए विजय की टोटल इनकम 2.3 लाख है, क्या विजय इंडिविजुअल है? यस। पर्सन है? यस। बट इज ही एसएससी? नो, नॉट लायबल टू पे टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी। सो एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम, मुझे बताइए, मेरे ऊपर सरकार ने 5000 का टैक्स लगाया, 5000 का इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, मैंने टैक्स तो पे कर दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, क्या वो मुझे नोटिस दे सकते हैं ऐसा एसएससी? यस। उन्होंने टैक्स के अलावा एक और पॉइंट लिखा है, एनी अदर सम और इन रेस्पेक्ट ऑफ अनादर पर्सन ही इज लाइबल टू टैक्स। मतलब हम क्लबिंग की बात कर रहे हैं, जरा समझना। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अनादर पर्सन ही इज लाइबल टू टैक्स, कहना क्या चाहते हो? अगर किसी और ने कमाई हुई इनकम के लिए आप, किसी और ने कमाई हुई इनकम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, तो भी आप किसके अंदर में आएंगे? बोलो बेटा, एसएससी। आप किसके अंदर में आएंगे? एसएससी। दूसरा डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी कौन कौन? पहला डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, कंपनी अगर असेसी है तो उसके लिए डायरेक्टर डीम्ड असेसी बन जाता है, मतलब पूरी असेसमेंट कौन हैंडल करेगा? डायरेक्टर। ट्रस्टी इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी डीम्ड असेसी बन जाता है, तो असेसमेंट होगी तो वो आएंगे। तीसरा इसमें आता है असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, यहां डेफिनेशन खत्म होती है। असेसी इन डिफॉल्ट को समझते हैं, समझे? सपोज कीजिए आपको थोड़ा बहुत टीडीएस याद होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, नहीं भी याद है तो याद करवाता हूं। आपको पता है अगर मैं प्रोफेशनल पेमेंट देता हूं एक्सीडिंग ₹10 तो मेरे को टीडीएस कट करना है, एनीवन? 10,000। अगर मैं प्रोफेशनल सीए को पेमेंट करता हूं एक्सीडिंग डैश तो मेरे को 10% का टीडीएस है। डरो मत, बोलो गलत होगा, मैं बैठा हूं यहां पे। 30,000 परसेंटेजेस 10% एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 30,000 नॉट द 10,000, लिमिट इज 30,000 एंड टीडीएस रेट इज 10%। यही अगर टेक्निकल सर्विसेज होगी तो 2%, यही अगर टेक्निकल सर्विसेज होगी तो 2%। अब सोचिए विजय एक आम आदमी जिसकी साल भर की इनकम 2,30,000 है, इसने 50,000 प्रोफेशनल को पेमेंट किया, सपोज करते हैं फॉर लेट से आर्किटेक्चर घर बनाने के लिए, क्या विजय टीडीएस कट करेगा? विजय ने टीडीएस कट नहीं किया, सपोज कर लेते हैं। पहली बात उसकी लाइबिलिटी है क्या, ये वो एक्सेट्रा आगे देखेंगे, सपोज करके चलते हैं। मुझे टीडीएस कट करने की लाइबिलिटी थी, मैंने टीडीएस कट नहीं किया, अब क्या इनकम टैक्स मुझे नोटिस दे सकता है? इनकम टैक्स मुझे नोटिस तभी दे सकता है जब मैं कौन हूं? असेसी। पॉइंट नंबर वन, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, क्या मैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूं? नहीं। एम आई डीम असेसी?
तो इनकम टैक्स मेरे को नोटिस ही नहीं दे पाता था, इसलिए एक और वर्ड ऐड किया, असेसी इन डिफॉल्ट। भले ही आप लायबल नहीं है, भले ही आप डीम्ड असेसी में नहीं आ रहे, पर इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस किया तो भी आपको नोटिस देते बनना चाहिए, असेसी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फेल टू डिडक्ट, बोलो बेटा क्या? टीडीएस। इफ आई फेल टू डिडक्ट व्हाट बेटा? टीडीएस। ठीक है मेरा बच्चा, खत्म। आज हम यहां तक के पहुंच गए, हमने हमारा बेसिक पार्ट आज के दिन ही खत्म कर दिया विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कल से हम लोग सीधा टैक्स कंप्यूटेशन में घुसने वाले हैं, आज आपसे दो से तीन चीज एक्सपेक्टेड है, मैं फटाफट बता दूं। पॉइंट नंबर 1, टैक्स कंप्यूटेशन तक के जितना भी है वो आज ही आप पढ़ेंगे, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, पढ़ लेना। अगर आधे घंटे का टाइम स्पेयर करो तो आगे के टैक्स कैलकुलेशन भी एक बार पढ़ के आना, ताकि कल आपके पास स्पीड रहे। कल से मेरे को कैलकुलेटर डेली लगेगा और रजिस्टर भी लगेगा जिसमें आप कंप्लीट कर सको, तो प्लीज लेकर के आना। जितना जल्दी पॉसिबल हो आपकी बुक्स ले लेना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा वो क्वेश्चनेयर से लूंगा, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको बोलूंगा देने के लिए और कुछ क्वेश्चन क्वेश्चनेयर से लूंगा, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आपको किसी भी तरह के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है, 8956651954 पे आप संपर्क करेंगे। मान लीजिए आपने GDPD लिया, या जितने लोग फेस टू फेस ले रहे हैं इनको बैकअप भी मिल रहा है 100% का, किसी रीजन की वजह से तुम नहीं आ पाए और तुम्हें बैकअप देखना रहा, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो आपको कॉल करना है वो है 8956684254। मैं आपको आज सारे नंबर्स बता रहा हूं, ठीक है? आप एक बच्चे हैं जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देखा है और आपको सेल्स के रिलेटेड क्वेरी है, आपको बुक्स चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए, सेल्स से रिलेटेड क्वेरी है, 8956784251/2/3/6 या वेट 53। इसके बाद मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन है, जिसने अपनी बुक्स मंगाई है, या अदर किसी भी तरीके की क्वेरी है, बुक्स डिलीवर नहीं हुई, बुक्स रॉन्ग तरीके से डिलीवर हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा कोई भी अदर क्वेरी है, 8956784256, ये सारे नंबर आप लिख के रखिए, ये सारे नंबर जानबूझ के लिख के रखिए, क्योंकि आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है, कॉन्सेप्ट में क्वेरी है, इधर डालने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन वेट करने का, बाकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। टेक्निकल मतलब आपका लेक्चर नहीं चल रहा है, एक्सटेंड करवाना है, टेक्निकल रिलेटेड जितने इश्यूज है वो इस नंबर पे लेके आइए। इस नंबर के अलावा 55, अगर ये ना लगे तो 55 भी है, इस पे आप कर सकते हैं। सेल्स से रिलेटेड लेक्चर लेना है, लेक्चर बाय करना है, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बुक्स एक्सेट्रा, ये वो सब इधर आने का, अदर क्वेरीज में 56 पे जाने का। यस मालिक, अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हो गया। मैं इसके बाद आपको एक और बात बता दूं, उम्मीद कर रहा है आज हमने जो पढ़ा हुआ आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, बुक बंद करो, क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम घुसे आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड, रिवाइज करते जाओ, यही खत्म कर दो, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी मतलब लॉ को पास करने के लिए दो तरीके से अथॉरिटी, पहली अथॉरिटी कौन? पार्लियामेंट के अलावा। ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है क्या ये सेंट्रल स्टेट में डिवाइड होता है? लेकिन सच्चा डिवाइड होता है, जितना भी टैक्स आता है क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है? यस। इसके बाद हमने देखे थे क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है या सच्चा और सेस भी होता है? बहुत बढ़िया बेटा, जो टैक्स है इससे सेंटर कलेक्ट करती है या स्टेट कलेक्ट करती है? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, याद आ रहा है कि आपको? अच्छा, क्या एग्रीकल्चर पे भी टैक्स कलेक्ट करने के बाद सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? स्टेट के पास है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के देखा नोटिफिकेशन, इज नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, ऑल नोटिफिकेशन डैशमेंट बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, क्या एक्ट के साथ सिर्फ एक्ट पढ़ना है नोटिफिकेशन भी पढ़ना है? सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ, ये चारों आपके स्कोप में आते हैं। यस और नो? क्या सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट? इज इट मैंडेटरी ऑन डिपार्टमेंट? नॉट मैंडेटरी ऑन असेसी? कैन आई हैव माय डिफरेंट ओपिनियन? यस, तभी तो केस लॉ बनते हैं। अच्छा, मेरे को एक और बात बताइए, अमेंडमेंट आप लोगों पे जो एक्ट एप्लीकेबल है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2022, क्या तुम्हें याद है? जो मई 23 एज वेल एज नवंबर 23 के लिए काम आएगा। तो क्या हमने नया फास्टैग या नया बुक लेना ही चाहिए? यस।
क्यों? क्योंकि आपका पूरा एक साल बदल जाता है, इसमें साल के साथ साथ अमेंडमेंट के साथ साथ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर भी बदलते हैं। यस अच्छा जी, इसके अलावा मेरे को एक और बात बताइए, डीटी के अमेंडमेंट्स क्या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होते हैं? यस। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेसमेंट, इज द ईयर इन विच टैक्स इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन, इसके कितने एक्सेप्शन है, कौन कौन से? सबसे पहले सोहम क्या कर रहा था, गणपति डांस, गणपति जी का याद आएगा, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इतने में कौन आई थी, नॉन रेसिडेंट, तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, चौथा क्लोजर ऑफ बिजनेस, पांचवा पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, याद आ रहा है क्या मालिक? इनकम में कितने हेड है, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, हर रिसीट क्लियर है, तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड प्लस माइनस ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तो प्रीपेड टैक्स ऑन और ग्रॉस टोटल इनकम, सॉर्टेड है मालिक? यहां तक क्या आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ ब्रेक, इसके बाद आपका लॉ का फास्ट ट्रैक चालू होने वाला है अकॉर्डिंगली। इसके अलावा कल सुबेरे 7 बजे आपका कॉस्टिंग रहेगा, मुझे अभिषेक सर ने बताया है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट कल का पहला टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट पहला टॉपिक है, मेरे हिसाब से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको आना चाहिए, समझ में आ रही बात, ये हमारे तरफ से एक एड ऑन बेनिफिट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सी अकाउंट्स और कॉस्टिंग में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, सो दैट कैन बी डन, डीटी एंड आईडीटी भी हम चाहते हैं तो ये चीज हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बट लॉजिकली आप समझ सकते हैं। रिविजन मेरा बाय डिफॉल्ट में फ्री है, पर रिविजन में हम उतने डीप में नहीं जाते जितने एक्सप्लेनेशन में हम कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, प्रॉब्लम्स में नहीं जाते, रिविजन में सिर्फ रिविजन होता है, ये बात याद रखिएगा। यस, तो रिविजन रहेगा, मैराथन्स जो ये रिविजन रहेगा, जो अमेंडमेंट लेक्चर है वो भी रहेगा, बट लॉजिकली जो आप आज डिटेल में पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो मालिक, सो आपका इनफैक्ट कोई दोस्त होगा जो इस टाइम को वेस्ट कर रहा है, मैं तो बोलूंगा रादर उसको भी बुलाओ, बैठाओ, तेरे को भी करना है नालायक, क्योंकि ये चीज करने से होगी ऐसे नहीं होगी, डन। अच्छा, इसके अलावा आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी, नोट्स अवेलेबल है, जाकर के आप ले सकते हो, तो जिस जिसका एडमिशन हो चुका है वो जाकर के तुरंत अभी ही नोट्स ले ले और आगे बढ़ जाए, ठीक है? एकत्वम ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, तो वहां आप जा सकते हो, वहां जाकर नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, आपको तुरंत तीनों चीजें मिल जाएंगी, डन, ओके। बाकी लोग ब्रेक ले लो, ब्रेक लेकर के आ जाओ, जितने लोग ऑनलाइन है प्लीज आस्क योर क्वेरी इफ एनी। सर कौन से ऑफिस से कलेक्ट करना है बुक? एकत्वम एकेडमी फर्स्ट फ्लोर प्रेस्टीज पॉइंट। सर क्या ये लाइव में भी रहेगा? यस, लाइव का टाइम भी 2 से 4, जो सोने का टाइम है मैं उसमें जगा के रखूंगा, डन है, बाय बोलो बच्चों। दो मिनट, फक्त 2 मिनट।